Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ladies and gentlemen, welcome to this online session of our academy. हमने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह आपके साथ कभी कैमरा के सामने बैठ के बात होगी. But as it goes, desperate times need desperate measures. So आजकल जो world over situation है वो आप सबके इल्म में है, जिसकी वजह से classes, academies, schools, universities, even so much so, हर चीज़ ही दुनिया में lockdown का शिकार है. बट लाइफ गोज़ ऑन और जो आपकी एम्बिशंस हैं ऑब्वियसली वो भी वेट नहीं कर सकती. एंड एस्पिरेंट स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग और एस्पायरिंग फॉर 2021 अटैम्प्ट, हम उनका बिल्कुल नहीं चाहते कि वक्त ज़ाया हो. सो विद दिस प्रे एंड होप के एवरी वन वुड स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, वी स्टार्ट दिस ऑनलाइन सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड माई कोलीग. माई नेम इज़ सैयद बिलाल, आई एम ए सिविल सर्वेंट. माई कोलीग इज़ मुरीद हुसैन जसरा, ये भी सिविल सर्वेंट हैं. हमारा जो रिलेशनशिप है वो इस अकेडमी से बियॉन्ड है. हम एक दूसरे को बड़े अरसे से जानते हैं. अनदर रिलेशन इंशाल्लाह व्हेन यू विल जॉइन अस यू विल कम टू नो अबाउट इट. सो इस ऑनलाइन सेशन का मकसद बेसिकली ये है कि आपका वक्त ज़ाया ना हो. जो 2021 के एस्पिरेंट स्टूडेंट्स हैं उनको हम अभी से ऑनलाइन गाइडलाइन भी देना शुरू कर दें और उसके साथ साथ उनके ऑनलाइन क्लासेस का भी एहतमाम कर दिया जाए. सो ये जो सेशन है ये जितना ज़्यादा इंटरेक्टिव होगा उतना ज़्यादा ही हमारे लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा. और इस इनॉग्रल सेशन का, सेमिनार का मकसद भी यही होता है कि आपके जहन में जितनी क्वेरीज हैं, जितने क्वेश्चंस हैं, जो एम्बिगुटीज़ हैं, उनको दूर किया जाए सो दैट आप सिंगल माइंडेड और फोकस होके अपने करियर पाथ के बारे में डिसाइड कर सकें कि whether to pursue this path or not, and if you decide to pursue this path, how the course of action will go along. So, सबसे पहले I would start with the basic question जो बहुत सारे लोगों के जहन में, जिसके बारे में ambiguities पाई जाती हैं, that is के what is CSS? So, CSS is a comparative exam that is held every year. आजकल पेपर्स जो हैं वो फरवरी के मंथ में स्केड्यूल्ड हैं. व्हेन आई डिड माय सीएसएस तब अक्टूबर नवंबर में पेपर हुआ करते थे, बट वो जो साइकिल है, इसका कैलेंडर है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड द डिपार्टमेंट्स. सीएसएस की सबसे पहले हमें कुछ प्री रिक्विजिट्स का पता होना चाहिए कि अगर कोई भी कैंडिडेट सीएसएस करने का डिसाइड करता है तो क्या क्वालिफिकेशन या क्या प्री रिक्विजिट्स उसके पास होनी चाहिए. उससे सबसे पहले तो हम मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं. सो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज बैचलर्स डिग्री एंड इट कुड बी अ सेकेंड क्लास बैचलर्स डिग्री एंड योर एज शुड बी विद इन द ब्रैकेट ऑफ 21 to 30 ईयर्स एंड इट्स एन एग्जाम ऑफ 1500 मार्क्स वेयर यू हैव टू अपीयर इन 1200 रिटन पेपर्स एंड 300 फॉर इंटरव्यू. With the passage of time, me and my colleague will develop further upon it कि वो subject selection कैसे है, optional कितने marks के हैं, compulsory कितने marks के हैं, उनका जो qualification criteria है, passing marks हैं, वो क्या हैं, वो इंशाल्लाह हम discuss करेंगे. Subjects and marks. Marks, as I've already told you, कि 1200 marks का written है और 300 marks का interview है. So in this session, specially because आप लोग सारे written के aspirants हैं, उसके लिए prepare करना चाह रहे हैं, तो हम ज़्यादा फोकस अपना रिटन के ऊपर रखेंगे. रिटन में 600 मार्क्स के कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं जो कि हर स्टूडेंट को वही ऑप्ट करने हैं. देर इज़ नो चॉइस इन दैट. उसमें इंग्लिश एसे है, इंग्लिश प्रेसियन कंपोजिशन है, जनरल साइंस है, इस्लामियात है, पाकिस्तान अफेयर्स है और करंट अफेयर्स है. ये सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो तमाम बच्चे अपने ओ लेवल्स या इवन उससे भी पहला जो आपका एकेडमिक करियर है उससे वन वे और दी अदर आप फेमिलियर होते हैं. और 600 मार्क्स के आपने ऑप्शनल सेलेक्ट करने हैं. अब उसमें दो कैटेगराइजेशन है. एक कैटेगरी तो है कि 200 मार्क्स के सब्जेक्ट हैं, यू कैन ऑप्ट थ्री सब्जेक्ट्स फॉर 200 मार्क्स ईच. और देर इज अनदर कैटेगरी जिसमें 100 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं, सो यू कैन opt for six subjects which each has 100 marks. और एक और third option भी है कि आप इन दोनों का mix भी कर सकते हैं. For example, you can opt one subject with 200 marks and four subjects with 100 marks or whatever combination you would like.
अब उसकी डिटेल मैं फिलहाल उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज देर आर डजन्स ऑफ सब्जेक्ट, उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया है एफपीएससी ने. एफपीएससी इज फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो अथॉरिटी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए डेजिग्नेटेड है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और फिर फाइनली वही रिकमेंडेशंस देते हैं कि दीज आर द स्टूडेंट्स जो उनके ख्याल में उनके प्रोसेस से गो थ्रू होके दे आर एलिजिबल टू बिकम अ सीएसपी ऑफिसर. सो देयर डजन्स ऑफ सब्जेक्ट उनको ग्रुपिंग की गई है, और उस ग्रुप में फिर कंडीशंस हैं कि यू कैन नॉट ऑप्ट मोर देन 200 मार्क्स. वो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. मार्क्स की जो फर्दर इम्पॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इट्स अ कंपैरेटिव एग्ज़ाम. इट डज नॉट मैटर कि आपने सीएसएस को टॉप किया है इंग्लिश लिटरेचर को ऑप्ट करके, या इकोनॉमिक्स को ऑप्ट करके, या ज्योग्राफी को ऑप्ट करके. एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ मैटर करेगी वो ये है कि आपके 1200 में से मार्क्स कितने हैं, और अकॉर्डिंग टू द मेरिट क्राइटेरियन आपकी क्या पोजिशन है. सो आपकी जो ग्रुप एलोकेशन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये जवाब सवाल होते हैं. ग्रुप एलोकेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स बेसिकली. फर्स्ट ऑफ ऑल योर पोजिशन इन द मेरिट, देन योर ऑप्शंस. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ स्टूडेंट हैज नॉट ऑप्टेड फॉर पास पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एज अ चॉइस ग्रुप, he or she will not be considered for allocation in that group. And lastly is the provincial quota. Every province, since it's a federal exam, federal subject, so there is a quota system, aur quote ke mutabik har province ki apni apni seats hain. Uske mutabik in teen cheezon ke combination ka ya amalgamation ka, I would say, jo result hoga wo aapka final merit list mein result hoga, and according to that aapki allocation hogi. Acha. अब जब एक स्टूडेंट सीएसएस करने का सोचता है तो वो थोड़ा सा परेशान ज़रूर होता है, बिकॉज उसको जो हमारे सोसाइटी से जो एक रिस्पांस या फीडबैक मिलता है वो ये, उनमें से ये दो एलिमेंट ज़रूर होते हैं. मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि हमेशा आपको ये रिस्पांस ज़रूर मिलता है कि यार ये बड़ा अच्छा एग्ज़ाम है, बड़ा अच्छा करियर है, आप ज़रूर करो. बट सेकेंडली उसको इन अदर वर्ड्स डिस्करेज भी किया जाता है कि यार ये बड़ा डिफिकल्ट एग्जाम है, इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, एंड यू हैव टू बी मास्टर ऑफ एवरी सब्जेक्ट एंड ऑल दैट. टू विच आई डोंट एग्री फुली, पार्शली येस आई डू बट नॉट टोटली. इसमें आपके पास बेसिक प्री रिक्विजिट्स, जिस तरह मैंने क्वालिफिकेशन की बताई हैं आपको, एज की बताई हैं, वो तो आपको एलिजिबल करेंगी इन ऑर्डर टू अपियर इन सी एस एस एग्जाम. But what you should have, what other qualities or skills you should have in order to become a successful CSS candidate, usme aapko world history ka thoda sa pata hona chahiye, especially last 100 years, let's say starting from World War I, then World War II, uske baad jo post World War era hai, Cold War hai, bipolar era tha, ab unipolar era hai, then again new superpowers are emerging. आपको दुनिया की थोड़ी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, आपको अपने मुल्क की और दुनिया की जो इकोनॉमिक ऑर्डर है उसका पता होना चाहिए, उसमें मतलब जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एक्सपोर्ट्स किसकी ज़्यादा हैं, किसकी कम है. यू डोंट नीड टू बी एक्सपर्ट ऑन ऑल दीज सब्जेक्ट्स, बट यू नीड टू हैव अ बेसिक आइडिया कि ये इंडिकेटर्स शो क्या करते हैं, इनकी इम्पॉर्टेंस क्या है, और इन बेसिक इंडिकेटर्स का मतलब क्या है. उसके बाद पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बहुत ज़्यादा बात सुनी होगी, जियो स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान. सो किसी भी मुल्क की इकोनमी और उसकी पावर में उसकी जो ज्योग्राफी है उसका भी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है. सो जियो स्ट्रेटेजिक जो इम्पॉर्टेंस है आपकी, जो जियो पॉलिटिक्स इम्पॉर्टेंस है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन डिटर्मिनिंग द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन एंड एनी कंट्री, कि वो मुल्क बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस होगा, किस किस्म की इंडस्ट्री उसमें लग सकती है, किस तरह के जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन सा सेक्टर कर रहा होगा, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. एंड देन द वर्ल्ड पॉलिटिकल ऑर्डर, वर्ल्ड पॉलिटिकल सिस्टम, डेमोक्रेसी क्या है, डिक्टेटरशिप क्या है, क्या इनकी बेसिक प्रॉज एंड कॉन्स हैं, फिर डेमोक्रेसी में पार्लियामानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, हर के अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं, नेगेटिव्स हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, वो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए. बट मेरी बातों से आपने बिल्कुल घबराना नहीं है,
अगर कोई ऐसा स्टूडेंट मेरी ऐसी बात मेरी बातें सुन रहा है जिसको इन तमाम चीज़ों में से कुछ भी नहीं पता, तो डोंट वरी, इट्स नेवर टू लेट. फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस टीचर्स आर देयर, फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस बुक्स आर देयर. आपकी तरफ से जो सबसे इम्पॉर्टेंट और प्राइमरी फैक्टर जो हमें रिक्वायर्ड है या आपको रिक्वायर्ड है आई वुड से, वो है आपकी डेडिकेशन, आपकी कमिटमेंट और आपका टाइम. सो अगर आज भी आप बिल्कुल एक क्लीन स्लेट हैं, बट यू डिसाइड कि मैंने इन तमाम चीज़ों को पढ़ना है, इनकी नॉलेज हासिल करनी है और 2021 में अटेम्प्ट देनी है CSS की एज अ सीरियस कैंडिडेट, तो बिल्कुल यू हैव एम्पल टाइम, आप इसको कर सकते हैं. सो ये कुछ थोड़ा सा बैकड्रॉप है. उसके बाद आई थिंक सब्जेक्ट सिलेक्शन पे थोड़ा मुरीद बात करेंगे, प्लीज़. अच्छा, थैंक यू वेरी मच सर. अच्छा डियर व्यूअर सर, बिलाल जो है ना, ये मेरे टीचर्स भी हैं. मैंने जितनी भी CSS की तैयारी की है वो सर बिलाल से की है. सर बिलाल ने आपको जो बेसिक कंसेप्चुअल और जो लीगल रिक्वायरमेंट थी वो तमाम के तमाम बता दी हैं. अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट सिलेक्शंस, और इसके लिए आपने कौन कौन सी किताबें पढ़नी है. अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि हमारे 600 कंपलसरी हैं और 600 सब्जेक्ट जो हैं वो मार्क्स बेसिकली ऑप्शनल है. सर बिलाल ने आपको बताया है कि इंग्लिश ऐसे है और CSS की जर्नी भी है, जो है सिर्फ CSS की नहीं, तमाम हमारे कम्पिटेटिव एग्ज़ाम जो हैं उनकी जर्नी हमेशा इंग्लिश ऐसे के पेपर से शुरू होती है. बिल्कुल. PMS CSS दोनों में, PMS और CSS के इंग्लिश ऐसे का एक ही थोड़ा सा डिफरेंस है. ये एंड पे हम दोबारा PMS के मुतालिक तमाम की तमाम चीज़ें आपको गाइड करेंगे. PMS में 2 hours कैसे होता है, CSS के अंदर जैसे कि आपको पता है 3 hours कैसे होता है, और आपने बिटवीन 2000 से 3000 अल्फाज लिखने हैं. 10 टॉपिक होते हैं, 10 में से किसी एक टॉपिक पे आप लिख सकते हैं. अच्छा, इसके लिए जहाँ तक बुक्स की तलक है, CSS का इंग्लिश ऐसे जो है उसमें सिर्फ आपका नॉलेज नहीं चेक किया जाता. आपको पता है कि हर टाइप ऑफ राइटिंग जो है उसकी अपनी एक वे होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है. देखें ना, आप अगर शायरी की बात करें तो उसमें रदीफ होती है, काफ़ी होता है, लेकिन जो प्रोज है उसमें ऐसा नहीं होता. सो इंग्लिश ऐसे का अपना ही स्ट्रक्चर है. जब तक आप उस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन होता है, आउटलाइन होती है, बॉडी पैराग्राफ होते हैं, कंक्लूजन होते हैं, इनका अपना एक स्ट्रक्चर है. मैं साथ साथ आपको किताबें भी रिकमेंड करता जाता हूँ. इंग्लिश ऐसे के लिए जितना भी कंटेंट है बेसिकली वो आपको न्यूज़पेपर से मिलेगा, वो आपको रिसर्च मैगजीन से मिलेगा, और चंद रिकमेंडेड बुक्स हैं उनसे मिलेगा. जहाँ तक स्ट्रक्चर की बात है, स्ट्रक्चर के लिए अभी रिसेंटली मैंने खुद ही एक किताब लिखी है विनिंग SS के नाम से, और सर वो आपको ही जो कुछ हमने सारा से पढ़ा था उसको कंपाइल किया है. वो ये किताब है, ये किसी भी अच्छे बुक शॉप पे आपको अवेलेबल है. इसमें बेसिकली जो फोकस किया गया है वो स्ट्रक्चर पे किया गया है कि आपने लिखना कैसे है. अच्छा, दूसरा जो हमारा पेपर है, जैसे कि आपको पता है वो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का है. उस पेपर के भी बेसिकली 2 parts हैं, एक ऑब्जेक्टिव पार्ट है और एक सब्जेक्टिव पार्ट है. सब्जेक्टिव पार्ट में बेसिकली 2 questions हैं, उसमें एक प्रेसी राइटिंग और दूसरी रीडिंग कम्प्रीहेंशन है. उसके 2 ही मकासद होते हैं. पहला मकसद ये है कि आपकी कम्प्रीहेंशन देखते हैं वो, कि जो कुछ अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है कि आपको वो समझ भी आता है या नहीं. और दूसरा कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब है जो कुछ आपने वहाँ से पढ़ा है, जो कुछ समझा है, क्या उसको आप अपने अल्फाज में लिख भी सकते हैं या नहीं. क्योंकि आपको पता है कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो उन लोगों को ही इस फोरम पे ले आएंगे जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी. तो इसके लिए मैं बिल्कुल बेसिक 2 किताबें आपको रिकमेंड करूँगा. एक जो किताब है वो है एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, प्रोफेसर सादत हुसैन की. दूसरी बिल्कुल बेसिक किताब है और वो है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर. दो ये किताब जो है आपको पता है कि 9th-10th लेवल पर पढ़ाई जाती है, लेकिन ये आपकी बेसिक्स ठीक कर देगी. आप इन 2 किताबों को रिकमेंड करें. अच्छा, दूसरा इसका जो पोर्शन है वो ग्रामर का पोर्शन है. वो सारे को मैं ऑब्जेक्टिव पोर्शन बोलता हूँ. वोकैबुलरी है उसमें, आप करेक्शन है, नरेशन है, ट्रांसलेशन है, या तो वो चीज़ें सही होंगी या गलत होंगी. उसके लिए आपको रूल्स आने चाहिए इंग्लिश के. अब हमारा तीसरा पेपर जो होता है वो पाकिस्तान अफेयर का पेपर है. पाकिस्तान अफेयर भी जैसे कि आपके इल्म में है, PMS CSS दोनों के में एक उसका सब्जेक्टिव पोर्शन है और दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव पोर्शन है. पाकिस्तान अफेयर का भी सब्जेक्टिव पोर्शन जो है उसको फर्दर 2 में डिवाइड किया जाता है. एक को हम कहते हैं प्री पार्टीशन 1857 से लेके 1947 तक, और दूसरा जो है उसका पोस्ट पार्टीशन है 1947 से लेके आज की डेट तक. इसके लिए भी मैं आपको अगेन 2 किताबें रिकमेंड करूँगा.
जो प्री पार्टीशन का पोर्शन है उसमें दो किताबें मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, वो दोनों बहुत अच्छी हैं, उनमें से किसी एक को आप पढ़ लें। एक है टैक टू पाकिस्तान और दूसरी है पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज बाई प्रोफेसर खालिद बिन सैयद। ये दोनों किताबें बड़े अच्छे तरीके से 1857 से लेकर 1947 तक चीज़ें कवर करती हैं। जो पोस्ट पार्टीशन है वो अगेन आपको मैगजीन से मिलेगा, न्यूज़पेपर से मिलेगा, रिसर्च पेपर से मिलेगा। हमारा तीसरा जो पेपर है वो जो फोर्थ पेपर है वो करंट अफेयर का पेपर है, वो भी अगेन दो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। लेकिन करंट अफेयर का जो सब्जेक्टिव पेपर है उसको फोर द तीन पोर्शन में डिवाइड किया गया है। एक जो है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, दूसरा है इंटरनेशनल रिलेशंस के पाकिस्तान के इंडिया के साथ क्या रिलेशन है, चाइना और यूएसए क्या क्या रिलेशन है, और तीसरा है करंट इशूज, वो इंटरनेशनल इशूज भी हैं और वो लोकल इशूज भी, इनके नेशनल इशूज भी हैं। अच्छा, इसके लिए इसकी सारी तैयारी जो की जाती है वो मैगजीन्स, न्यूज़पेपर और कुछ जो रिकमेंडेड बुक्स से की जाती है। लेकिन मैं आपको एक किताब पर रिकमेंड करूंगा कि ये किताब बेसिकली क्या करेगी, ये बेसिक प्रोवाइड करेगी, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कंपाइल्ड फॉर्म में है। और ये डॉक्टर सफदर महमूद, आप तमाम के इल्म में हैं, को एक हिस्टोरियन है और इनकी किताब का नाम है सर इंटरनेशनल अफेयर। बस फॉर एग्जाम्पल अगर आप कश्मीर क्राइसिस में पढ़ना चाहते हो तो अखबार में तो आज और आज से आगे की डिटेल होगी ना। बिल्कुल। तो इसने क्या किया है कि शुरू से लेकर आज तक वो तमाम चीज़ों को कंपाइल कर दिया है। इसी तरीके से यूनाइटेड नेशन है, वो लीग ऑफ नेशन से सर शुरू करता है और एंड तक ना तमाम के तमाम, तो ये कंपाइल्ड फॉर्म में आपको तमाम के तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। इस किताब को जरूर पढ़ें और इसका लेटेस्ट एडिशन खरीदें। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो जनरल साइंस एंड एबिलिटी है। अगेन ये तो सर मैं ये समझता हूँ कि सारे के सारा पेपर ही ऑब्जेक्टिव है। इसको भी अगेन दो पोर्शन डिवाइड किया गया है। एक है सेंसेस, जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, इन्वायरमेंटल साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, और दूसरा जो है अभी रिसेंटली मैथमेटिक्स और लॉजिक को ऐड किया गया है। इसके लिए मियाँ शफीक साहब हैं, उनकी बहुत अच्छी किताब है, जहांगीर पब्लिशर ने पब्लिश की, आप उसको देख लें, या करवान पब्लिशर की भी एक किताब है। अब आखिरी जो पेपर है ना इंग्लिश एसे, इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन के बाद सीएसएस में जो और पेपर फेल होता है सर, इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर है। हाँ। ये मेजॉरिटी लोग जो है ना इसको पास नहीं कर सकते। अच्छा, इसके लिए अगेन जो किताबें हैं, रिकमेंडेड बुक्स हैं, आपको उनको पढ़ना चाहिए। अच्छा सर, यहाँ एक और क्वेश्चन आता है, क्या इसको उर्दू में करना चाहिए इंग्लिश में? तो मैं तो आपको अगेन यही रिकमेंड करूँगा कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने टिल ग्रेजुएशन हर क्लास में पढ़ा हुआ है। आपको जो बैकग्राउंड है, चाहे आपने इसको उर्दू में पढ़े तो आप जरूर इसको उर्दू में अटैम्प्ट करें, अगर आपने इंग्लिश में पढ़ा हुआ तो इसको इंग्लिश में अटैम्प्ट करें। इसमें मेरी सजेशन ये है या मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो अभी मरीज जिस तरह बता रहे थे कि लोग इसमें फेल होते हैं, अगर वैसे कहा जाए ना तो इस्लामियत समझ नहीं आता यार। जो एक सब्जेक्ट आप बचपन से पढ़ रहे हो, पिलर्स ऑफ इस्लाम, आर्टिकल्स ऑफ इस्लाम, एवरीथिंग, आपको पता है आप फेल क्यों हो रहे हो। इसमें दो चीजें जो स्टूडेंट्स मेरे एक्सपीरियंस में आई हैं, पहली चीज तो ये है कि जब हम एक ऐसे सब्जेक्ट को लेके चलते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, तो हम इजी हो जाते हैं। yes. कि यार ये सब आता है हमें, ये सब पढ़ा हुआ है हमने। और दूसरी बात ये है जो मुरीद ने कहा कि आई वुड सजेस्ट कि आप इसको उर्दू में अटेम्प्ट करें। इफ समवन इज रियली हैंडीकैप्ड कि वो अच्छी उर्दू नहीं लिख सकता या उर्दू पढ़ना ही उसको नहीं आता, उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या स्कूलिंग कहीं ऐसी जगह से हुई है प्रीवियसली कि वो उर्दू के साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर तो आई वोंट इंसिस्ट, बट अदरवाइज जनरली उर्दू में नंबर अच्छे आते हैं। उर्दू में हेडिंग्स बनती हैं, फिर जो खास तौर पे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है जो इस्लामियात के हर क्वेश्चन में आपने देना है वो है कुरान और हदीस का तर्जुमा। वो अगर आप इंग्लिश साइड पे जाएंगे तो थोड़ा सा वो डिफिकल्ट है, और जब आप उर्दू साइड पे आएंगे तो वो थोड़ा सा रिलेटिवली आसान है। सो मेरी इसमें इनपुट। बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरा एक इस्लामिक स्टडीज़ पेपर में यह देखा गया है कि जब स्टूडेंट इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर करते हैं ना, वो तमाम वो चीज़ें लिख के आते हैं सिवाय कुरान और अहदीस के हवाला जात के अलावा। लेकिन इस्लामिक स्टडीज़, इस्लाम, इस्लाम तो है ही दो चीज़ें, या कुरान है या अहदीस हैं। जब तक आप कोट नहीं करेंगे बिल्कुल, तो उस वक्त तक आपके नंबर नहीं आएंगे। अच्छा, इसके लिए अगेन जो किताब है, जो वैसे भी अगर आप सीएसएस नहीं भी कर रहे, पीएमएस नहीं भी कर रहे, तो ये किताब आपको पढ़नी चाहिए सर, प्रोफेसर खुशीद की इस्लामी नजरिया है। बहुत अच्छी किताब है। या प्रोफेसर डॉक्टर हमीदुल्ला की खुतबात बहावलपुर। अच्छा। ये उर्दू में आप पढ़ लें। अगर आपने इसको इंग्लिश में पढ़ना है तो इस्लामी नजरियात का इंग्लिश का वर्जन भी, इस्लाम इज मीनिंग एंड मैसेज। अगर इसके अलावा दो और किताबें, अच्छा मैं फिर कहूँगा कि आपको एक किताब पढ़नी है, एन इंट्रोडक्शन टू इस्लाम डॉक्टर हमीदुल्ला, या एन इंट्रोडक्शन टू इस्लामिक आइडियालॉजी
ये अनवार हाशमी कराची यूनिवर्सिटी ने ये रिसेंटली किताब पब्लिश की, आप इसको पढ़ें। अच्छा, आप बात हैं कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट, सर ने ऑलरेडी आपको बताया है कि यू आर सपोज टू मेक द 600, 600 करना है। वो तीन सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, वो चार भी हो सकते हैं, वो पाँच भी हो सकते हैं, वो छः भी हो सकते हैं। अब सर इसमें होता ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स कि 6 महीने पहले एक ऑप्शनल पढ़ते हैं, फिर उसको छोड़ के दूसरे पे चले जाते हैं। अच्छा, वो देखते हैं इसमें ट्रेंड क्या है। अच्छा, मैं और सर बिलाल, क्योंकि हम दोनों सिविल सर्वेंट हैं, इस वजह से हम आपको बिल्कुल कमर्शियल एडवाइस नहीं देंगे। बिल्कुल, इट वुड बी अ वेरी सिंसियर एंड कैंडिड एडवाइस। देखें, हमारा रोल क्या है आपके इस सारे अटेम्प्ट में या एंडेवर में, वो इंशाल्लाह हम एंड पे डिस्कस करेंगे। बट रेस्ट अश्योर्ड, व्हाटएवर वी आर सजेस्टिंग यू, आई डोंट नो कितने लोग आपको देख रहे हैं, आप में से कितने हमारे प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट हैं, कितने हमारे प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट नहीं है, बट व्हाटएवर वी आर सजेस्टिंग फ्रॉम दिस फोरम आर आर सिंसियरिटी डिमांड्स आर प्रोफेशन। टीचर जो है ना, बहुत नोबल प्रोफेशन है। मैं तो बल्कि अभी तक कहता हूँ कि मैं अपने आप को इस कहलाने के काबिल नहीं हूँ, बट इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन। सो हम जो भी आपको सजेस्ट करेंगे, दैट इज बेस्ड अपॉन रियलिटी, एक्सपीरियंस एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स। इसमें कोई कमर्शलिज्म डेफिनेटली नहीं है। अच्छा सर, मैं ना आपको 2018 है उसके फर्स्ट जो फोर टॉपर हैं, उसमें शामज़ फैक है, उसमें आतिफ है, इब्राहिम शाह है, ये तमाम के तमाम वो लोग हैं जिन्होंने आई आर का सब्जेक्ट नहीं रखा था। ठीक है, इब्राहिम इकोनॉमिक्स में थे जो फोर्थ पोजीशन पे हैं, उसके फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस हैं। शामज़ा क्योंकि लॉ ग्रेजुएट है, वो पॉलिटिकल साइंस पे गई है। तो सबसे पहले मेरी एडवाइस और सर बिलाल की एडवाइस आपके लिए यही होगी कि अगर आपकी डिग्री है अकाउंटिंग में, अगर आपकी डिग्री है इकोनॉमिक्स में, अगर आपकी डिग्री है फिजिक्स में, तो आप लाजमी अपने सब्जेक्ट ऑप्ट करें। यकीन जाने आई आर कभी भी उसको नहीं पहुँच सकती। आपने बहुत भी कोशिश कर ली तो 120 लेंगे, बिल्कुल, लेकिन सर अकाउंटिंग में चले जाएं तो 180 भी ले सकते हैं। Yes, तो सबसे पहले हम कहेंगे कि आप जब भी ऑप्शनल सब्जेक्ट रखें, उसमें हम बेसिकली अपने ना चार माइंड के अंदर चीजें लिखें। सबसे पहले लिखें बैकग्राउंड। अगर हाँ इंग्लिश लिटरेचर है आपका बैकग्राउंड, तो फिर मैं लाजमी बात कहूंगा कि आप आई आर या पॉलिटिकल साइंस पर चले जाएं, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में तो खुद नंबर नहीं आते। आप अपना बैकग्राउंड रखें। अगर साइंस का बैकग्राउंड है, अच्छा दो किस्म के, एक साइंस है और एक सोशल साइंसेज है। साइंस के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी एक हैबिट होती है, वो शॉर्ट आंसर सर लिखते हैं, और जो सोशल साइंसेज वाले हैं वो लॉन्ग आंसर लिखते हैं। तो आप अपने बैकग्राउंड को माइंड में रखें। अच्छा, इसके बाद दूसरी चीज़ जो है ना, अच्छा हम टीचर जो होते हैं ना, वो दो चीज़ों को माइंड में रखते हैं। एक होते हैं सब्जेक्टिव, जहाँ पे सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, एक होते हैं जहां ऑब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। सब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि जहां पे मैं अपनी राय भी मेरी होगी। मतलब देखें ना, पाकिस्तान अफेयर है, हमें से कोई है जिसके अर्ली क्लासेस में 100 out of 100 आई हूँ? उर्दू में 100 out of 100 नहीं आए होंगे। मैथ में आते हैं, केमिस्ट्री में आते हैं, वहां ऑब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है। उसका हमेशा आंसर जो होगा वो एक ही रहेगा, दो आंसर कभी भी नहीं आएंगे। तो इस चीज में माइंड रखें। मेरा ख्याल है जो ऑब्जेक्टिविटी वाले होते हैं ना, यहां पे टीचर की राय इन्वॉल्व नहीं होती, उसमें हमेशा अच्छे नंबर आते हैं। देन आप अपने इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड देखें, आपके इंटरेस्ट किस चीज़ में है। और एंड पे आप लाजिम बात है, आप देखें कि क्या मटेरियल जो है, जो रिसोर्सेस हैं, वो भी अवेलेबल हैं या नहीं। 2016 में सर एक सब्जेक्ट एक नया आया था सर, टाउन प्लानिंग। सर 84 में 84 स्टूडेंट रखा, 84 में 80 फेल हो गए। कौन रखने वाले थे? एक एम इंग्लिश, MBA, और ये सब्जेक्ट था बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग का। तो आप वो सब्जेक्ट रखें, मैं दोबारा, बैकग्राउंड हो जिसका, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा इन्वॉल्व हो, जिसमें आपका एप्टीट्यूड हो, और जिसका मटेरियल मार्केट के अंदर अवेलेबल हो। आप चले जाएं अभी भी जो टाउन प्लानिंग है सर, उसमें अभी भी एक भी मार्केट में किताब अवेलेबल नहीं है। ऑब्वियसली ये चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। अच्छा, साथ साथ, सॉरी टू इंटरप्ट, बट हम क्वेश्चंस भी ले रहे हैं मुरीद को, साथ में शेयर करता जाऊंगा ये क्वेश्चंस, कुछ आपसे पर्टेन भी। अच्छा सर, एक अभी जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्या ऑप्शन सब्जेक्ट जो हैं ये आपके एलोकेशन में इनका कितना बहुत बड़ा रोल होता है। देखें, अभी मुरीद ने एक बात की ऑब्जेक्टिविटी वाली, उसको मैं आसान अल्फाज में बता देता हूँ कि साइंस में अगर एक सवाल आता है कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है H2O जिसे आप कहते हैं, वो कैसे बनता है, तो अगर एक स्टूडेंट ने लिख दिया है कि जी H2O इसका फॉर्मूला है, हाइड्रोजन के दो एटम हैं, एक ऑक्सीजन का है, तो दुनिया का कोई प्रोफेसर, दुनिया का कोई टीचर उसके साथ डिसएग्री नहीं कर सकता। ठीक है,
ऑन दी अदर हैंड, अगर आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि जी जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो डिवाइड हो गई जिना लीग में और शफी लीग में, जब जिना ने सेपरेट इलेक्टोरेट का जो मुतालबा है वो नेहरू के कहने पे छोड़ दिया नेहरू पोर्ट वो सारा कुछ, तो क्या ये दुरुस्त था या गलत था? अब इसमें आप या राइट वर्जन को सपोर्ट करेंगे या लेफ्ट को करेंगे, बट देयर इज अ चांस के एग्जामिनर या जो आपका पेपर मार्क कर रहा है वो आपसे एग्री करे या ना करे। सो सब्जेक्टिविटी हमेशा आपको लेकर जाती है लेस मार्क्स की तरफ, बिल्कुल ऑब्जेक्टिविटी लेके जाती है मोर मार्क्स की तरफ। फिर जो अभी मुरीद ने बात की, अगेन साइंसेज में मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करता हूं कि एक वो सब्जेक्ट्स हैं जो विद अ गुड एकेडमिक बैकग्राउंड जनरल बैकग्राउंड हर कोई पढ़ सकता है, ठीक है, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आप जितना मर्जी मेहनत कर लें बट यू हैव टू हैव अ बैकग्राउंड, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स अकाउंटिंग, इंग्लिश वाले नहीं कर सकता नहीं कर सकता, ठीक है, बिकॉज आपको वो 3-4-5 साल की जो प्रॉपर उसमें कॉलेज या यूनिवर्सिटी में उसकी बैकग्राउंड बनी है, जो प्लेटफॉर्म एक बना है आपका, उसके ऊपर आपने फर्दर बिल्ड अपॉन करना है, और वो प्लेटफॉर्म नहीं है तो आप उसको आगे नहीं चला सकते। फॉर एग्जाम्पल years जब मैं CSS दे रहा था तो मुझे अच्छी तरह याद है, उससे कुछ अरसा पहले मेरे भाई के बैचमेट जो थे उन्होंने टॉप किया था CSS, मैं बड़ा उनसे इंस्पायर हुआ, उनसे मैं मिला, ये मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ। सो उनसे मैंने सब्जेक्ट पूछे, ही वॉज एन इंजीनियर, उन्होंने कहा जी मेरी डबल मैथ्स थी और 400 में से मेरे ख्याल है उनके कुछ 380 या 378 नंबर थे, तो कहानी तो यही खत्म होगी ना, 400 में से अगर आप 380 नंबर ले लें, वो परसेंटेज हम डिस्कस करेंगे कि टॉपर के होते कितने हैं। मैं बड़ा इंस्पायर हुआ, मैंने कहा यार मैं इंशाल्लाह जो है ना वो मैथ्स ही ऑप्ट करूंगा, और ये तो ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें आपका लग जाए छक्का तो बस फिर आप टॉपर हैं, टॉप 5 में हैं। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, ऑल्दो आई हैड मैथ्स बैकग्राउंड टिल माई ग्रेजुएशन, बट उसमें जो अप्लाइड मैथ्स और वो सारी चीजें जो इन्वॉल्व थी वो मिनिमम कोई एमएससी मैथ हो तो वो टैकल कर सकता है। मैं आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट बट आई कुड नॉट, देन सैनिटी प्रिवेल्ड एंड आई रिवर्स माई डिसीजन, मैंने कहा जी ये दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये कोई मैथमेटिशियन ही इसको रख सकता है। सो जर्नलिस्टिक सब्जेक्ट्स में अब आप में से आप अगर हमारे सामने बैठे होते तो हम इंडिविजुअली सारे स्टूडेंट्स को जब काउंसलिंग करते हैं या जनरल क्लास में बात करते हैं तो हम पूछते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, डिग्री क्या है। हम ना कल इंडिविजुअल काउंसलिंग करेंगे Zoom पे, इनको लेंगे वन बाय वन इनके हम आंसर, ठीक है, दैट्स अगेन अ गुड आइडिया। तो उसमें अदरवाइज जनरल सब्जेक्ट्स हैं और साइंस बैकग्राउंड है, जनरल आप सब देख सकते हो, साइंस बैकग्राउंड वाले वो जिस तरह फिर मुरीद ने कहा कि एंड में आके आप कोई सब्जेक्ट चेंज करते हो, उसकी वजह ये होती है कि आपने शुरू में वो किसी के मशवरे पे या हेस्टीली वो सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट कर लिया, एंड लेट मी टेल यू वो बड़ा टाइम आपका क्रूशल जाया होगा, आप एक पूरा सब्जेक्ट प्रिपेयर करेंगे 100 or 200 मार्क्स का, इट विल टेक 3-4 months, तो ये देखें उसमें उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि नहीं यार इसको छोड़ कर मैं नए की तरफ जाऊंगा। सबसे पहले जब आप सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं तो उसके प्रीवियस पेपर्स जो कि अगेन FPSC की साइट पे अवेलेबल हैं, उसका सिलेबस वो भी FPSC की साइट पे मौजूद है, वो देखें, उससे आपको सब्जेक्ट मैटर का पता चलेगा और एटलीस्ट इतना जरूर पता चलेगा कि यार ये इज दिस माय कप ऑफ टी और नॉट, मेरा इस सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्ट है या नहीं है, ठीक है। सो उसकी बेस के ऊपर फिर भी प्रोबेबिलिटी है कि आप कोई ऐसा सब्जेक्ट रख लें जो आगे जाके आपको प्रॉब्लम दे, बट फिर उसके चांसेस जो हैं वो बहुत कम है। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है आपके ऑप्शनल की लिस्ट में जो आपका प्रीवियस बैकग्राउंड है या उसकी कोरिलेशन है कोई, अगर डायरेक्टली वो इन्वॉल्व नहीं भी है वो सब्जेक्ट भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, बट मेरे लिए मैं थोड़ा सा इसको अदर वे राउंड देखता हूँ सब्जेक्ट सिलेक्शन को, मैं उस सब्जेक्ट को सबसे इंपॉर्टेंट समझता हूँ, सबसे अच्छा समझता हूँ जो आपको नंबर ज़्यादा देता है। रीजन बींग एट द एंड ऑफ द डे ये मार्क्स की गेम है, इट्स अ कंपटिशन, इसमें कोई प्रेस्टीज इन्वॉल्व नहीं है कि जी मैंने कोई अच्छी कैटेगरी का सब्जेक्ट पढ़ा है तो मुझे, या इसने कोई आसान सब्जेक्ट पढ़ा है, नो, एट द एंड ऑफ द डे मार्क्स मैटर। अच्छा सर, मैंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर किया है और जब मैंने CSS दिया था तो मैं लेक्चरर था, मैंने इंग्लिश लिटरेचर ऑप्ट नहीं किया है, मैं करता तो शायद मैं एलोकेशन ही, मैंने पंजाबी लिटरेचर किया था जिसके अंदर सर आई स्कोर 92 इन पंजाबी लिटरेचर। अच्छा सर, एक क्वेश्चन आ रहा है सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि क्या किसी खास ग्रुप में जाने के लिए क्या कोई स्पेसिफिक ऑप्शन सब्जेक्ट रिक्वायर्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल पुलिस के लिए क्रिमिनोलॉजी लाजमी है? नहीं, गवर्नमेंट वही बात कर रहे हैं सर जो रिफॉर्म्स वाली। नहीं, वो इट्स अ मिसनॉमर कि वो जो रिफॉर्म्स वाला प्री स्क्रीनिंग वाला इशू था वो आगे चलेगा कहीं, एज ऑफ टुडे
उसकी कोई वो नहीं है, लीगल वैल्यू नहीं है. अगर कल को होता है, बट दैट विल डेफिनेटली विल नॉट बी इफेक्टिव फ्रॉम 2021 और इवन 2022. एफपीएससी जब भी चेंजेस लाता है, एज में हो, क्वालिफिकेशन में हो, वो 2-3 साल का पहले हेड स्टार्ट दे के आपको बताता है, और बताता है कि आफ्टर 2 ईयर्स जो सीएसएस का एग्जाम होगा उसमें ये एलिजिबिलिटी या ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी. दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप 4 महीने पहले एक नई रिफॉर्म की चीज लाएं और आप कहें जो 4 महीने बाद एग्जाम हो रहा है उसमें हम अप्लाई करेंगे. दैट इज नॉट पॉसिबल. बट कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, नो, नोबडी वुड आस्क यू कि आपने क्या सब्जेक्ट रखे थे और आप किस ग्रुप को ऑप्ट कर रहे हैं. इंटरव्यू में मे बी इसके बारे में कुछ बात हो सके, बट दैट इज अगेन नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी एलोकेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपके मार्क्स का है. दैट्स इट. अच्छा, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जी, पुलिस के लिए आपको क्रिमिनोलॉजी जरूरी है, पीएस के लिए फलां सब्जेक्ट की जरूरी है, कोई रिक्वायरमेंट. अच्छा सर, दूसरा जो क्वेश्चन आ रहा है ना कि मेडिकल जिनका बैकग्राउंड है जी, उनको कौन से ऑप्शन सब्जेक्ट ऑप्ट करने चाहिए. मेरा ख्याल है उनको जो वाहिद एडवांटेज अपने प्रीवियस बैकग्राउंड का या डिग्री का होगा वो इसमें एवरीडे साइंस जनरल नॉलेज का जो पेपर. अच्छा, अगर हम देखें ना उनके लिए सर, क्योंकि ग्रुप्स बने हुए हैं तो पहले ग्रुप से तो सर वो सब्जेक्ट नहीं रख सकते, उसमें फिजिक्स वगैरह है. हाँ नहीं, मेरा ख्याल ऑप्शनल्स में उनको पोल साइंस आईआर में से एक रखना चाहिए. वो तो खैर फिर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उनकी अदरवाइज इंटरेस्ट क्या है, रीडिंग हैबिट्स किस तरह की. उनको दो सब्जेक्ट जो है ना वो ज्यादा हेल्प कर सकते हैं. बट गुड न्यूज है, गुड न्यूज मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए. सब्जेक्ट तो शायद आपको कोई अपना वन साइज फिट्स ऑल ना मिल सके उस लिस्ट में, बट मेडिकल वालों को सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यार वो उनको पढ़ने का स्टेमिना इतना होता है, उनकी रूटीन होती है, उनका इतना स्टेमिना बन चुका होता है पढ़ने का कि वो एक नॉर्मल सोशल साइंसेस वाले स्टूडेंट की निस्बत 4 गुना ज्यादा बैठ के पढ़ सकते हैं. सो आपको ये एडवांटेज तो सर गेम ही हार्ड वर्कर किया है. एग्जैक्टली, जो ज्यादा मेहनत करेगा वो. अच्छा, जो पीएमएस के अंदर जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वो तमाम के तमाम क्वेश्चन जो है वो एंड पे पूरा हम पीएमएस को बेसिकली उस पर आपको गाइड करेंगे कि सब्जेक्ट कौन से हैं, ऑप्शन कौन से हैं, कंपलसरी कौन से हैं, और खासतौर पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं जनरल नॉलेज के लिए आपको क्या करना है, ये हम बिल्कुल एंड पे ना इस पे इंशाल्लाह. एक क्वेश्चन है वो अभी, क्योंकि इंजीनियरिंग का मेडिकल से ही रिलेटेड है, कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए कौन से हैं. इनकी थोड़ी सी ऑप्शन बढ़ जाती है ऑप्शन की. आप फिजिक्स भी ऑप्ट कर सकते हो, आप मैथमेटिक्स भी ऑप्ट कर सकते हो, बट अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर हो तो परहैप्स शायद कंप्यूटर साइंसेस का सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हो. बट दैट अगेन डिपेंड्स कि आपने प्रीवियस डिग्री में उसको किस हद तक पढ़ा है, और आगे आप सिलेबस डिस्कस करके कितने कॉन्फिडेंट हो कि आप उसने प्रीवियस की बेस पे उसको कितना पढ़ सकेंगे. लास्ट इज विल ऑप्शनल्स विल बी ऑफर्ड बाय द एकेडमी. ये आई थिंक लास्ट में इसको आंसर कर देंगे जी. अच्छा जी, उसके बाद जो चीज आती है आगे हमारे पास, आई थिंक मुरीद यू आर डन विद द सब्जेक्ट सिलेक्शन, टाइम मैनेजमेंट. अच्छा, अब टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा क्रूशल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट कैन नॉट बी ओवर एम्फसाइज, बिकॉज इसी के ऊपर आपका सारा जो स्ट्रक्चर है वो तैयार होगा, प्रिपेयर होगा. टाइम मैनेजमेंट दो किस्म की आपने करनी है, एक तो सीएसएस एग्जाम को प्रिपेयर करने का कि टाइम मैनेजमेंट क्या है, और फिर दूसरा मैं एंड पे बताऊंगा कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम मैनेजमेंट क्या है. पहली बात तो ये याद रखिएगा कि हम जितनी भी अभी बातें आपको बता रहे हैं ये एक्सपीरियंस और फैक्ट्स फिगर बेस्ड बातें हैं. दूसरा, ये बातें जर्नलिस्टिक स्टूडेंट के लिए हैं, जनरल स्टूडेंट के लिए. एक्सेप्शंस कैन ऑलवेज बी देयर. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहूं कि एक सीरियस सीएसएस के स्टूडेंट को इन 24 आवर्स 8 से 10 घंटे पढ़ना चाहिए, तो आप मुझे कह सकते हैं कि सिर्फ मेरे फलां कजन ने तो सिर्फ 6 घंटे डेली पढ़ा था और वो पास कर गया. मैं उसके सेट ऑफ सर्कमस्टांसिस पे कमेंट नहीं कर सकता. वो आदमी एक्स्ट्राऑर्डिनरली ब्रिलियंट हो सकता है, जीनियस हो सकता है, उसकी मेमोरी बड़ी फोटोजेनिक हो सकती है, बैकग्राउंड ऐसा हो सकता है, ठीक है. सो मल्टीपल फैक्टर्स. तो हम जितनी भी बातें आपको बताएंगे वो जर्नलिस्ट, एक जर्नल स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से. आई थिंक यू नीड टू स्टडी एटलीस्ट 8 to 10 hours एंड देन यू कैन इंक्रीज इट फर्दर. अब ये सुनने में आपको मुश्किल लग रहा है, बट जो पढ़ाई का स्टेमिना है वो भी इसी तरह जिस तरह आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं. पहले दिन आप ट्रेडमिल पे चढ़ते हैं तो शायद 5 मिनट के बाद आपका सांस फूल जाता है, आप नीचे उतर जाते हैं. आप हर दिन एक एक दो दो मिनट उसमें ऐड करते हैं. आफ्टर 6 मंथ्स लेट से आप आधे घंटे की जॉगिंग कर रहे हैं. सो पढ़ाई भी इसी तरह, पहली दफा आप किताब खोलें, किताब खोलने से तो वैसे ही इतनी बरकत होती है, नींद आ जाती है. जब भी किताब खोलें नींद आ जाती है. सो आप पहली दफा किताब खोलेंगे तो 20 मिनट बाद शायद आपको लगे कि मैं तो सारा दिन से पढ़ रहा हूँ और सोया ही नहीं.
सो ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करें, बट 8 to 10 hours ये होना चाहिए। दूसरा, इसकी फर्दर टाइम डिवीजन भी आपने करनी है, क्योंकि सिविल सर्विस में ये लेट से अज्यूम कि आपने 100 मार्क्स के 6 ऑप्शनल रखे, तो ये आपके 12 पेपर हैं, 1200 मार्क्स हैं। खुदा न खास्ता आप किसी एक में भी अगर फेल हो गए तो बाकी 11 की भी मेहनत ज़ाया हो गई और आप फेल कंसिडर होंगे। इसमें कोई इस तरह का चांस सप्लीमेंट्री या वो नहीं है, डेफिनेटली सिर्फ एक ग्रुप ऑफ है जिसमें आपने एग्रीगेट लेना होता है, वो लेटर हम डिस्कस कर लेंगे। सो पॉइंट आई वॉन्ट टू कन्वे इज कि अगर आपने 11 सब्जेक्ट्स की आउटस्टैंडिंग तैयारी की है और एक को थोड़ा इग्नोर कर दिया, चाहे आपने उसको ईजी लिया है या उसको टाइम आप उतना नहीं दे सके, और अगर खुदा ना खास्ता उसमें आप फेल हो गए तो फिर वो बाकी 11 की मेहनत भी गई। सो आप उसको टाइम को अपने विद इन द सब्जेक्ट्स भी फिर डिवाइड करें कि तमाम सब्जेक्ट होलिस्टिकली और इकट्ठे प्रिपेयर हो। हाँ, इतनी डिस्क्रेशन या इतना आप जरूर कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट ए आपको ज्यादा मुश्किल लगता है तो आप उसको डेली 20 मिनट 30 मिनट ज्यादा दे दें, सब्जेक्ट बी आपको रिलेटिवली आसान लगता है या आपकी बैकग्राउंड है या वो आपने सब्जेक्ट मैटर जल्दी पिक कर लिया है, उसको आप डेली 15-20 मिनट कम दे दें, बट ओवरऑल आपने इसको देना। लास्ट 3 hours ऑफ पेपर, देखें आप जब पेपर एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल देता हूं कि वहां पे किसी को नहीं पता कि आपने इस पेपर की तैयारी के लिए 2 दिन लगाए हैं या 2 साल लगाए हैं। आपकी तमाम मेहनत और तैयारी जज होगी जो 3 घंटे में आप वहां पे लिख कर आएंगे। उन 3 घंटों को मैनेज करना, अगेन दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एक जनरल पेपर की बात करें, एसे इसमें नहीं है, प्रेसी इसमें नहीं है, एवरीडे साइंस जनरल नॉलेज इसमें नहीं है, बट अदरवाइज तमाम पेपर्स का स्ट्रक्चर मोर और लेस ऐसा है कि आपने 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं 20 मार्क्स ईच के, और 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है 20 मार्क्स का, ठीक है, तो इट मेक्स 100 मार्क्स। अब इसमें अगर हम फॉर एग्जाम्पल ये देखें कि जो आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 20 मिनट्स में फॉर एग्जाम्पल कर लिया है, 3 hours में है 180 मिनट्स, अब आप यू आर लेफ्ट विद 160 मिनट्स, नाउ डिवाइडेड बाय 4 और आपके पास पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन यू हैव 40 मिनट्स। ये जो 40 मिनट्स का एक मैजिकल फिगर है, आई विश कि मेरे पास वाइट बोर्ड होता तो मैं आपको बड़ा मजीद डिटेल में कर, ये मैजिकल फिगर है, ये बड़े कंफ्यूजन और बड़ी एम्बिगुटीज को क्लियर करता है। पहली बात, ये सुसाइडल है, ये फेटल है कि 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और आप 3 बहुत अच्छे अटेम्प्ट कर रहे हैं। नो, यू डोंट स्टैंड चांस। आप उस सब्जेक्ट में पास शायद हो जाएंगे बट उसमें कंपीट वाला जो एलिमेंट है वो आपने पहले ही लूज कर दिया बिकॉज आपने पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं किया। दूसरा बड़ा जो क्रिटिकल पॉइंट है, जो अगर आप समझ सकें या मैं समझा सकूं, वो ये है कि 40 मिनट मैक्सिमम आपको मिलेंगे एक टॉपिक पे लिखने के लिए, एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। उस 40 मिनट के बियॉन्ड अगर आपके पास कुछ नॉलेज थी जो आप पेपर पर लिख नहीं सके, मेरी नजर में वो नॉलेज रिटन स्टेज पे काम की नहीं है। इसका मतलब है कि आपने स्मार्ट स्टडी नहीं की, आपने बहुत ज्यादा पढ़ा है। इट लीड्स टू वन थिंग जो मैं हमेशा अपने सेशन में कहता हूं कि जब भी एक सीएसएस करने वाला स्टूडेंट सीएसएस करने का सोचता है तो उसके जेन में, जो भी मैंने बात थोड़ी देर पहले की, उसके जेन में होता है कि यार मुझे हर चीज का पता होना चाहिए, मैं ये किताब भी पढ़ लूं, मैं वो किताब भी पढ़ लूं, मैं फलां से नोट्स भी ले लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं नो। आपने रिक्वायर्ड स्मार्ट स्टडी करनी है जो कि रिक्वायर्ड है टू इनेबल यू विद इन द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ऑफ रिटन एग्जाम विद गुड मार्क्स। और ये आपसे मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता कि आप दुनिया के हर टॉपिक पे या उस सब्जेक्ट के हर टॉपिक पे कमांड रखते हो, मास्टर लेवल का आप काम उस पर कर सकते हो, नॉट एट ऑल, ठीक है जी। सो दिस वॉज रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ सीएसएस टाइम मैनेजमेंट एंड देन टाइम मैनेजमेंट ऑफ योर पेपर। फिर पेपर हैंडलिंग टेक्निक्स हैं, बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, शायद आपको बड़ी ट्रिवियल लगे बट ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। आप पेपर में बैठे हैं, आप लिख रहे हैं, आपको थोड़ी देर बाद रियलाइज हुआ है कि यार ये जो पेन मैं आज पेपर देने के लिए ले आया हूँ इसकी वजह से मेरी उंगली में दर्द हो रहा है, मैं इसके साथ उतनी स्पीड के साथ नहीं लिख पा रहा जितना मैं नॉर्मली लिखता हूँ। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जिस भी पेन, बॉल पेन या इंक पेन, फाउंटेन पेन के साथ आप पेपर देने का डिसाइड करें, जिस भी मीडियम से, उसकी वैरायटी के 3-4 आप डब्बे ले आएं मार्केट से। मैंने खुद भी ऐसे ही किया था,
जो रूटीन वर्क आप कर रहे हैं अपनी एकेडमी में, घर में नोट्स बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो उससे करते जाएं। वेरी सून यू विल गेट टू नो कि यार कौन सा पेन मेरे हाथ के लिए मोस्ट कंफर्टेबल है, इसके साथ मेरी राइटिंग भी अच्छी हो रही है, स्पीड भी अच्छी है और मेरा हाथ या उंगलियां थक नहीं रही। जब आपने वो पेन सेलेक्ट कर लिया, गो टू द मार्केट, उस पेन के 5-6 डब्बे खरीद के ले आए, सो दैट ये ना हो कि वो बाद में पेन ही आपको ना मिले या आप मतलब किसी और ऑप्शन की तरफ चले जाएं। सो ये छोटी छोटी चीजें, अब आप समझेंगे कि शायद इसका कोई बड़ा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है पेपर में, इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर आप थक जाएंगे तो शायद 3 घंटे में ऑन एवरेज आप 2-2.5 सफ़े कम लिखेंगे। आई एम नॉट एट ऑल प्रमोटिंग कि सी एस एस के पेपर में बहुत ज़्यादा लिखना है या लिखना पड़ता है, बट एडिक्वेट लेंथ, एडिक्वेट आंसर की लेंथ ज़रूर होनी चाहिए। जो क्वेश्चन में चीज़ें हाईलाइट की गई हैं, पूछी गई हैं, वो सारी जस्टिफाई होनी चाहिए, ठीक है। सो अगर आप 2-2.5-3 पेजेस हर पेपर में ऑन एवरेज कम लिख रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द बैड सिलेक्शन ऑफ द पेन, तो एट द एंड ऑफ द डे ये चीज आपको हॉन्ट करेगी। और सी एस एस, अगेन बार बार मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि इट्स अ कंपेटिटिव एग्जाम। अगर आप कहीं पे 2 मार्क्स भी लूज कर रहे हैं तो बिलीव यू मी, फाइनल रिजल्ट में वो 2 मार्क्स बहुत ज्यादा क्रिटिकल रोल प्ले कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको अपने डिजायर्ड ग्रुप में एलोकेशन ना मिले जस्ट बिकॉज ऑफ दोज 2 मार्क्स। और ये कोई एग्जेजरेशन नहीं है, लेट मी वेरी क्लैरिफाई यू, एक एक नंबर के ऊपर 3-3, 4-4, 6-6, 7-7 स्टूडेंट होते हैं ऑन वन सिंगल मार्क, उसके पॉइंट डेसिमल पॉइंट के साथ उनकी कैटेगराइजेशन हो रही होती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप इसको, और कलर आपको पता होगा, ब्लैक या ब्लू ही आप यूज कर सकते हैं, उसके अलावा नो कलर इज अलाउड। इसके बाद आगे चलते हैं जी, आपके क्वेश्चंस भी साथ साथ आ रहे हैं। थोड़ा सा अगर सर ऐड करते हैं कि पहला क्वेश्चन जो होता ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लेते हैं, 1 घंटा ले लेते हैं, और आखिरी क्वेश्चन के लिए उनके पास 20 मिनट बचते हैं। yes. तो क्या आखिरी क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का है? बिल्कुल नहीं है, वो भी 20 मार्क्स का है। तो वो इस तरीके से हो सकता है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना, वो मोस्टली सर 20 मिनट नहीं लेता, अगर आपको आता होता है ना तो 15 मिनट्स लेता है, तो वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप घड़ी पे नजर रहे। बिल्कुल, जब 40 मिनट हो जाएं तो आप यहां भी हैं, वो उस क्वेश्चन को छोड़ दें, आप छोड़ दें सर। अच्छा, उसमें जैसा ये कह रहे हैं आप एक पेज छोड़ के अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर दें कि बाद में टाइम मिला तो इसमें 2 पैराग्राफ में ऐड कर दूंगा, आप उसको बाद में क्रॉस कर सकते हैं अगर आप नहीं लिख सकते, तो इसमें बहुत सारी ऑप्शन मौजूद है, बट आपने टाइम को मैनेज करना है। पीएमएस के क्वेश्चन हैं, आप देख लें, फिर शायद एंड पे हम करेंगे। अच्छा, फिर पेपर में जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज कि क्वेश्चन का फोकस क्या है। हम अक्सर एग्जामिनर को वो बता देते हैं कि जो हमें आता है, नो दैट इज नॉट व्हाट इज रिक्वायर्ड। हमें एग्जामिनर को वो बताना है जो उसने पूछा है, हमें उसको वो नहीं बताना, वो एक जो जनरल एक लतीफा सा है ना, माई बेस्ट फ्रेंड नहीं सुनाना उसको, उसने जो सवाल आपसे पूछा है आपने उसी का जवाब देना है। क्वेश्चन का फोकस बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर अक्सर क्वेश्चंस में होता है कि डिस्क्राइब दिस ब्ला ब्ला, मतलब उसके पार्ट्स होते हैं क्वेश्चन के। अब उसके क्वेश्चन के पार्ट्स के मार्क्स अलहदा से डिवाइडेड नहीं होते, बट वो क्रिटिकल थिंकिंग या एनालिसिस आपने सीखना है, और इंशाल्लाह आप सीखेंगे कि किस पार्ट को कितना टाइम देना है, या ये रैंडमली रफली ये कितने मार्क्स का ये पार्ट होना चाहिए इस क्वेश्चन का, इसको मैंने कितना पोर्शन ऑफ टाइम देना है और बाकियों को कितना पोर्शन ऑफ टाइम देना है। फिर आपके स्ट्रक्चर ऑफ आंसर बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेंथ की बात तो हो गई, आप इंट्रोडक्शन। अच्छा, बहुत सारे सर स्टूडेंट ये पूछते हैं पेज में कितनी लेंथ होनी चाहिए, पेज में मींस वो पूछते हैं कितने पेज होने चाहिए। मेरा ख्याल है इसका भी कोई एक खास जवाब नहीं दिया जा सकता, बिकॉज किसी की हैंडराइटिंग बड़ी होती है, लाइन स्पेसिंग ज्यादा है, किसी का छोटा होता है फॉन्ट साइज, लाइन स्पेसिंग। बट मेरा ख्याल है इसका जो जनरल आंसर दिया जा सकता है वो ये है कि जब आप समझें कि जो क्वेश्चन में जो चीजें पूछी गई हैं आपने उनको जस्टिफाई कर दिया, उनका जवाब दे दिया, और जो मेन आर्सेनल बारूद था आपके बारे आपके पास उस सवाल के बारे में, वो आपने डिलीवर कर दिया है पेपर के ऊपर, रिप्रोड्यूस कर दिया। बट अगेन 40 मिनट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर आपके पास कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज या इस तरह को रह भी गई है, बट गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज अदरवाइज वो क्वेश्चन सफर करेगा। यहां पे आप ज्यादा लिख के शायद 2 मार्क्स गेन कर लें, वहां पे कम लिख के आप शायद 5 मार्क्स लूज करें। सो नेट इफेक्ट आपका लूज का होगा, वो नहीं होना चाहिए। अकेडमी कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफर करेगी, ये अगेन क्वेश्चन बार बार आ रहा है। देयर इज अ सेट ऑफ
सॉरी सब्जेक्ट्स वो इंशाल्लाह हम एट द एंड थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। आप स्ट्रक्चर बता रहे थे जी, इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसकी डिस्कशन है, बॉडी है, फिर कंक्लूजन है। बट अगेन ये एक फाइनल आंसर नहीं है। करंट अफेयर्स के पेपर में आप कोई कंक्लूजन नहीं दे सकते। कैन यू कंक्लूड के पैलेस्टाइन प्रॉब्लम कैसे हल होगा? कैन यू कंक्लूड के अरब स्प्रिंग के इश्यूज कैसे हल होंगे? कैन यू कंक्लूड के शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फर्दर फ्यूचर क्या होगा, उसका क्या? नो। इसी तरह करंट अफेयर के पेपर में आपने ज्यादा हिस्ट्री या ज्यादा बैकग्राउंड में नहीं जाना। मुरीद ने जो आपको डॉक्टर सफदर महमूद मलिक की किताब बताई है, मैंने भी वो पढ़ी थी, आज भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। उस किताब का मकसद बेसिक ये है कि जो एक इशू एट हैंड चल रहा है, आपको उसकी सारी डायनामिक्स और सारे बैकग्राउंड का पता चल जाए, सो दैट जब आप किसी भी न्यूज़पेपर से या मैगजीन से या किसी भी अच्छे जर्नल से उसको जब फॉलो करें इस टॉपिक को, तो आपको फर्दर डेवलपमेंट समझ आए, ताकि आप, क्योंकि आपने बैकग्राउंड पढ़ी हुई है। सो उसका जो एक अदरवाइज लॉजिकल जो बॉडी है, वो क्वेश्चन की यही बनेगी कि आप इंट्रोडक्शन करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे और एंड में उसको रैप अप या इन अदर वर्ड्स कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगेन उसमें बार बार आई वुड रीएम्फसाइज कि फोकस उस चीज के ऊपर करना है जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है, रादर देन कि आपको जो उस चीज की नॉलेज है। हो सकता है आप उस सब्जेक्ट के, उस टॉपिक के मास्टर हो, आपने उसमें पीएचडी कर रखी हो या बहुत ज्यादा पढ़ रखा हो, लेकिन आपने इररिलेवेंट मटेरियल, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन उसको नहीं देनी, उसको सिर्फ टू द पॉइंट और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन बतानी है। ठीक है, सो करंट अफेयर्स की अगर हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं, तो उसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो आपके न्यूज़पेपर वगैरह से, वो मुरीद आपको बताते हैं न्यूज़पेपर कैसे अच्छा पढ़ना चाहिए। अच्छा, जो दो क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि पीएमएस के लिए क्या इस्लामाबाद डोमिसाइल के बच्चे एलिजिबल हैं? बिल्कुल नहीं है। इशू ये है कि सीएसएस के अंदर इस्लामाबाद का डोमिसाइल जो है वो पंजाब के साथ ही इकट्ठा कंसिडर किया जाता है, लेकिन इस्लामाबाद के बच्चों को ये डिसएडवांटेज है कि वो पीएमएस में, पीएमएस के अलावा पंजाब के किसी भी जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। Well, that's unfair. हाँ, ये unfair है। हाँ, है तो लेकिन अदरवाइज कोटा के लिए, सीएसएस के लिए आप उसको पंजाब के साथ करते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि हम कब ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे और कैसे करेंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट, हमारी पहली क्लास इंशाल्लाह कल होगी, इंग्लिश ऐसे की क्लास होगी, 7 o'clock हम शुरू करेंगे, जूम पे देंगे, और इसका मीटिंग कोड और पासवर्ड जो है वो इंशाल्लाह हम थोड़ी देर बाद जब हम ये सेशन ख़त्म करेंगे तो हम अपने फेसबुक पेज जो है उस पर अपडेट कर लेंगे। आप वो ऐड जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, वो ज्वाइन मीटिंग में जाएँ, वो कोड ऐड करें, पासवर्ड ऐड करें, आप कल की क्लास ले सकते हैं। एक दो क्वेश्चन हैं सर, वो भूल, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा या नहीं होगा? जवाब दे चुके हैं जी कि वो नहीं होगा, बिल्कुल नॉट ऑन द कार्ड्स। ठीक है, दूसरा वो कह रहे हैं कि जी डज हैंड राइटिंग मैटर इन सीएसएस, चूंकि उससे पर्टेन करता है, मैं जवाब दे दूं, बिल्कुल। अगर आपने कुछ ऐसा लिखा है जो एग्जामिनर बेचारा पढ़ ही नहीं सका, वो कहते ना लिखे लिखे मुंह सा और पढ़े खुद आ, तो वो तो आप नहीं कर सकते डेफिनेटली उसमें। लेकिन अगर किसी की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, तो इंशाल्लाह मैं ही आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आप एक बुरी हैंडराइटिंग को भी प्रेजेंटेबल फॉर्म तक इंप्रूव कर सकते हैं। मैंने भी की थी ना आपके जब आपने हमें बताया। ठीक है, और लास्टली है कि जी क्या 2021 के टाइम पे होंगे, कोरोना पेंडेमिक का इशू तो नहीं होगा? वेल, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग एंड वी आर नो वन टू कॉमेंट ऑन दैट, बट प्रिज्यूमेबली या जो नजर आ रही हैं चीज़ें, मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह हमें अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक भी रहना चाहिए कि विद इन 3 to 4 months इंशाल्लाह चीज़ें बैक टू नॉर्मल, बैक टू स्क्वायर वन आना शुरू हो जाएंगी। एंड एट द मोमेंट वी हैव नो डाउट कि शायद 2021 के पोस्टपोन हों पेपर्स एट द मोमेंट। प्लीज, अच्छा अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट, हाउ टू मेक द नोट्स। अच्छा, जब हम नोट्स मेकिंग की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले तो हमें माइंड में ये रखना चाहिए कि इसका मकसद क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्योंकि बहुत से लोग जब वो नोट्स बना रहे होते हैं उन्हें खुद भी नहीं सर पता होता कि वो क्यों नोट्स बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं। बिल्कुल, तो जब तक किसी चीज़ की मकसदियत का आपको पता ही नहीं है, तो उस वक्त आप नोट्स नहीं बना सकते। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर मैं एक और क्लियर कर लूँ, मैं कभी भी और गालिबन सर भी इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करेंगे कि जी एक सब्जेक्ट के लिए आप 5 books पढ़ लें। जब आप 5 books पर जाएंगे ना, यकीन जाने फेब्रवरी आ जाएगा और आपको पता चलेगा कि अभी सर मेरे 6 subjects रहते हैं। आप डिसाइड करेंगे
कि जी इस साल नहीं देते, अगले साल दे देते हैं। और उसमें दूसरा फिर ये भी होता है कि आप ओवर स्टडी कर चुके हो, ओवर स्टडी कर चुके होते हैं। रिक्वायर देखो सीएसएस के आज आप ना तमाम ऑप्शन सब्जेक्ट का सिलेबस निकालें, उसके अंदर एक नोट लिखा होता है द लेवल ऑफ सब्जेक्ट वुड बी ग्रेजुएशन, मास्टर लेवल रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप हम रिकमेंड करेंगे कि आप एक किताब के साथ जाएं, कभी भी दो किताब। हाँ ये हो सकता है कि एक बुक राइटर ने एक पोर्शन बहुत अच्छा लिखा है, हो सकता है दूसरा पोर्शन अच्छा ना हो, बिल्कुल। तो आप एक सेकेंडरी बुक रख लें, इस तरह आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं दो बुक्स का, दो से ज्यादा बिल्कुल ना जाए। अच्छा नोट्स मेकिंग, मैंने पहले ही पूछ कि इस ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, बेसिकली इसके तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव इसका यह है कि आइडेंटिफाई द टॉपिक्स, कि जी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी कि आप उसका सिलेबस निकालें एफपीएससी का, पीएमएस का, मीन के सीएसएस का या पीएमएस का। दूसरा आपके पास इन दोनों के पिछले 20 साल के पेपर होने चाहिए, उसमें ना आपको पता चल जाएगा। देखो कोई भी स्टूडेंट जो है ना 100% सिलेबस जो है सर उसको कवर भी नहीं करता और कर सकता भी नहीं है लगभग। आप उसके 70 to 80% कवर करते हैं, और वो तो सबसे पहला पर्पज तो ये हुआ कि आइडेंटिफाई द टॉपिक्स। अब दूसरा क्या होगा कि कंप्रीहेंशन ऑफ द इशू, कि जब आप एक किताब से पढ़ेंगे अगर आपने उसको समझा ही नहीं है तो आप नोट्स बना ही नहीं सकते। ये बेसिकली इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जो कुछ आपने पढ़ा है वो आपको समझ आ गए। और तीसरी ये है कि दिस विल रिड्यूस योर टाइम फॉर रिविजन। यस मोस्ट सबसे मोस्ट आप देखें ना पिछले साल से दोबारा सीएसएस के अंदर क्या हुआ है कि दिन के अंदर दो पेपर, और हमने तो सर खुद दो दो दिए थे, बीच में एक दो साल के लिए दो नहीं हुए, दिन के अंदर दो टाइम पेपर होते हैं और दो पेपर्स के दरमियान में 3 घंटे का टाइम होता है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो किसी भी सूरत में आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते। अच्छा फिर जब क्योंकि सर बिलाल तो अप्रॉक्सीमेटली सर 20 years हो गए हैं, तो हमें भी 15 years हो गए हैं टीचिंग को। मैं जब भी देखता हूँ ना सर कि जो टॉपर्स होते हैं सीएसएस के, कि उनके नोट्स की ना कुछ क्वालिटीज होती हैं, या फॉर्मेट की अगर मैं बात करूँ, कंपोनेंट की बात करूँ, तो नोट्स के अंदर बेसिकली आपने अपने आप को 3 questions करने हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए व्हाट इज द इशू। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पाकिस्तान अफेयर से हम शुरू करते हैं, एक टॉपिक है लखनऊ पैक्ट। जब तक आपको इशू को नहीं पता होगा इस क्वेश्चन को, इशू क्या था मुसलमानों के लिए, इशू ये था कि मुसलमानों की सब कंटिनेंट के अंदर जो आबादी थी वो सर 28 to 30% थी, लेकिन जितनी भी रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज थी, काउंसिल्स थी, यूनिवर्सिटी सिंडिकेट थे, लेबर यूनियन थी, उसके अंदर मुसलमानों की जो रिप्रेजेंटेशन होती थी वो 5 to 10% होती थी, इससे ज़्यादा नहीं होती थी। अब मुसलमानों का इशू ये था कि मुसलमान कह रहे थे कि हमारी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अब कांग्रेस के लिए भी इशू था, उनका इशू क्या था कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशर ही नहीं क्रिएट कर सकते थे क्योंकि आदि कम्युनिटी उनके साथ है ही नहीं, तो उन्हें मुसलमानों की जरूरत थी, तो ये इशू है। अब दूसरा आपने सबसे पहले करना है कि व्हाट इज द इशू, जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं। अब दूसरा आपने कहा जो पोर्शन होगा कि व्हाट आर द आर्गुमेंट्स, वो काजेस कंसिक्वेंसेस सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वो उसके क्लॉजेस भी हो सकते हैं, बिल्कुल सर वो उसके मेरिट डीमेरिट्स भी हो सकते हैं, वो कोई टॉपिक ऐसा हो जाएगा प्रो आर्गुमेंट एंड इन फेवर ऑफ आर्गुमेंट्स होंगे। और तीसरा जो हमारे एक्सर नोट्स से चीज मिसिंग होती है वो होती है माई टेक, माई क्रिटिकल एनालिसिस। अगर आप क्रिटिकल एनालिसिस हर क्वेश्चन का नहीं लिखेंगे ना तो आप कभी भी अच्छे नंबर नहीं आ सकते। मेरे को क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल सारे 2 साल पहले एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ लखनऊ पैक्ट ऑन द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। स्टूडेंट ने सर पूरी हिस्ट्री लिख दी कि जी कौन कौन शरीक हुआ, क्या क्या हुआ इसके अंदर, हुआ कौन कौन सी क्लाजेज हुई। ये नहीं लिखा कि इसका पाकिस्तान मूवमेंट पे या पाकिस्तान की क्रिएशन पे इंपैक्ट क्या था। सीधी सी बात है यार, कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम ये एक्सेप्ट किया कि मुस्लिम दे आर द सेपरेट आइडेंटिटी, सेपरेट इलेक्टोरल। तो जब आपने मान लिया कि मुस्लिम या टू नेशन थ्योरी को, तो 28 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान बन गया। तो अगेन नोट्स के अंदर पहला क्वेश्चन आपको व्हाट इज द इशू, व्हाट आर द आर्गुमेंट्स एंड व्हाट इज श्योर इनटेक, आई मीन क्रिटिकल एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जब तक देखो सर होता क्या है, नोट्स होते हैं, हो सकते हैं नोट्स के एक बुलेट पॉइंट पे क्वेश्चन आ जाए। दूसरा ये ना देखें कि आपकी टेक इस पे क्या है, ये डिस्करेज करता है क्रैमिंग को, रट्टा जिसे हम बोलते हैं। वरना तो पेपर में नोट्स में जो चीज लिखी हुई है आप क्रैम करके आ जाएंगे, उसको लिख लेंगे, दैट्स इट। नो, आपने ये नहीं करना, आपने एग्जामिनर को शो करना है कि आपको उस सब्जेक्ट मैटर की अंडरस्टैंडिंग है, आपने उसको एब्जॉर्ब किया है, और फिर आप उसके ऊपर अपना एक सर्टन ओपिनियन रखते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
और उस ओपिनियन को फिर आप सपोर्ट करते हैं, सॉरी मैंने मुरीद का बट मैं आई वांटेड टू स्पीक ऑन दैट, फिर आप उस ओपिनियन को सपोर्ट करते हैं विद फैक्ट्स फिगर्स एंड आर्गुमेंट्स। अब देखिए आप बाजार में जाते हैं, आप एक रेडी वाले से भी पूछते हैं कि जी महंगाई क्यों हो रही है, किस हुकूमत की या किस पॉलिटिकल पार्टी की गलती है ये, वो आपको बताएगा जी एक्स पार्टी की गलती है या वाई पार्टी की गलती है या जेड पार्टी की गलती है। सीएसएस में अगर यही सवाल आ जाता है तो आपसे एग्जामिनर ये जवाब नहीं एक्सपेक्ट करता कि आप हेयर से या सुनी सुनाई बात पे, अगर आप कहेंगे कि ये पॉलिटिकल पार्टी एक्स की गलती है तो आप उन बताएंगे कि फिर उनके दौर में डॉलर इतना था, उनकी ट्रेड पॉलिसी में ये फ्लॉ था, फिस्कल डेफिसिट इतना था, बैलेंस ऑफ पेमेंट का ये प्रॉब्लम था। आर यू गेटिंग मी? आपने अपने क्वेश्चन को स्ट्रक्चर करना है, अपने आर्गुमेंट को विद द फैक्ट्स एंड विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्स फिगर्स एंड आर्गुमेंट स्ट्रक्चर करना है, फिर एग्जामिनर को पता चलेगा कि यार बुकिश नॉलेज के बियॉन्ड इस स्टूडेंट के पास नॉलेज है, ये आइडिया को ग्रैस्प भी कर चुका है और इसके ऊपर अपना एक स्पेसिफिक ओपिनियन रखता है बेस्ड अपॉन दीज फैक्ट्स। प्लीज सॉरी। अच्छा, अब दूसरी चीज जो नोट्स में, इसमें दो ओपिनियन है, क्या वो कंसाइज होने चाहिए या लेंथी होनी चाहिए? वो बिल्कुल कंसाइज होने चाहिए। नोट्स के अंदर जैसे कि सर बिलाल ने भी कहा है कि बेसिकली क्या होते हैं, आप बुलेट्स में लिखेंगे, आप फैक्ट्स लिखेंगे, आप फिगर्स लिखेंगे, आपके अंदर ग्राफ बना लेंगे, आपको कोटेशन आपको याद आई है तो वो लिख लेंगे। तो नोट्स जो है वो बहुत कंसाइज होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आज न्यूज़पेपर से एक चीज पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं आर्टिकल सर उतार के साइड पे रख लेते हैं, तो एंड पे क्या होंगे आपके पास तो 2000 आर्टिकल बन जाएंगे। तो आप सबसे पहले ये करें कि जो आपका रेलिवेंट पोर्शन है उस पे लिखें, बुलेट फॉर्म में होने चाहिए। अच्छा, हाउ टू स्टार्ट द नोट्स? अब इसमें अगेन सर दो मिथ हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं कि किसी के नोट्स उठा लेते हैं। No. तो मैं तो बिल्कुल इस फेवर में नहीं हूं, ठीक है। रीजन नेवर। उसकी रीजन ये है कि जिसने अपने नोट्स बनाए हैं लाजमी बात है कि उसकी सर उसके पीछे बहुत सा बैकग्राउंड होगा, बहुत सी इंफॉर्मेशन। नोट्स का एक सफा अगर आप बनाते हैं ना तो उसके पीछे आपने चार पेजेस पढ़े हुए हैं, तो वो आप तक वो एक सफा पहुंच रहा है, जो चार पेजेस हैं वो नहीं पहुंच रहे। सो किसी के नोट्स पे बिल, हाँ उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं, स्किम कर सकते हैं कि यार मैंने जो पढ़ा है उसमें कोई चीज ऐसी मिसिंग तो नहीं जो इधर भी है, या कोई मजीद अच्छा पॉइंट, बट उसको होली सोली फॉलो करना नो। अच्छा, मैं आपको जब नोट्स मेकिंग की बात आती है तो मैं अगेन यही हम रिकमेंड करेंगे कि आप सबसे पहले कभी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट से ना शुरू करें, क्योंकि हो सकता है बाद में आपको पता चले ये तो गलत था। स्टार्ट विद कंपल्सरी, एक एक सब्जेक्ट को लेके चले। एक एक सब्जेक्ट कैसे है? फॉर एग्जाम्पल दो सब्जेक्ट, तो जैसे कि सर आप हमें कहते थे दो, जनरल साइंस एंड एबिलिटी एंड इंग्लिश। अच्छा, मैं ना आपको पूरा एक टाइम टेबल बनाता हूँ। अगर आज आप शुरू करते हैं नोट्स मेकिंग और सीएसएस स्टडी, तो आप नवंबर 30 तक हर सूरत में आपको इसको कंप्लीट करना होगा एक दफा विद नोट्स। यू स्टार्ट विद कंपल्सरी और अपना टाइम टेबल जो है ना उसको डिवाइड करें बजाय रेंडम पढ़ने के। अच्छा, उसके लिए दो चीज़ें, हर इंसान बेसिकली रिसोर्सेज का मेरा मतलब है हर इंसान का अपना आईक्यू लेवल होता है, आईक्यू लेवल, ठीक है, और उसकी प्रोडक्टिविटी है अपनी, और दूसरी आपके पास टाइम कितने, और दूसरा आपके पास इसको डिवाइड करें टारगेट्स पे। टारगेट्स क्या है? आपके 12 सब्जेक्ट्स हैं, उसको गो थ्रू करना है, उसको कंप्रीहेंड करना है, उसके नोट्स बनाने हैं। ये 30 नवंबर तक, ये सर 7 महीने के अप्रोक्सीमेटली 6 महीने बनते हैं, उस वक्त तक हर सूरत में स्टार्ट विद वन सब्जेक्ट कंपल्सरी, एक उसको डिवाइड करें कि आपने इतने घंटों में आपने इसको खत्म करना है। सपोज करते हैं आप सर 100 आवर्स टारगेट रखें, बिल्कुल। अच्छा, उसके फिर फर्दर यूनिट्स बनाएं। सपोज करते हैं आप एक टॉपिक पढ़ें, साथ उसके नोट्स बना रहे हैं बुलेट्स में, दूसरा टॉपिक पढ़ें उसके नोट्स। इसके ना सर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होगा, हो सकता है कि आप 10 दिनों बाद जब आप एक सब्जेक्ट खत्म कर लेंगे तो आपका मोरल जो है ना वो बहुत ज़्यादा बूस्ट अप हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी और इंग्लिश की वोकैबुलरी है, ये डेली बेसिस पे आपने करनी है। मसलन इंग्लिश की वोकैबुलरी है, इंग्लिश के पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, इंग्लिश के ईडियम्स हैं, ये सुबह सवेरे उठ के इन चीज़ों को पढ़ें, उसमें मेमोरी रिटेंशन उस वक्त आपकी ज्यादा बेहतर होती है। और साइंटिफिक प्रूव चीज है सर, दिन के अंदर एक सब्जेक्ट पढ़ें और रात के जो जब रात आएगी वो आप मैगजीन न्यूज़पेपर वो चीज़ें पढ़ना शुरू कर लें, तो दिन 7 से 8 घंटे एक सब्जेक्ट एक एक ले के चलें। होपफुली आप पहले 3 मंथ में कंपल्सरी कंप्लीट कर लेंगे और अगले जो 3 मंथ आएंगे वो ऑप्शन का, तो 30 नवंबर तक आप हर सूरत में ये जो कोर्स है
इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। मैं तो इसको थोड़ा सा 30 डेज पीछे लाऊंगा कि 30th अक्टूबर तक, क्योंकि नवंबर दिसंबर जनवरी फिर आपकी ये फुल टाइम सिर्फ और सिर्फ रिविजन होनी चाहिए, तो मतलब 30th अक्टूबर तक यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद योर सिलेबस। अच्छा दूसरा सर, इनको अगर ये सिर्फ हमें भी फॉलो कर लेना तो तब भी ये मेरे ख्याल 30th नवंबर से पहले, क्यों? बिल्कुल, हमारा ना थोड़ा सा पैटर्न बाकी लोगों से मुख्तलिफ है। हम कंपर्सिस शुरू करते हैं, हम जब एक सब्जेक्ट शुरू करते हैं तो हम उसको एंड करते हैं। हम शुरू करेंगे इंग्लिश ऐसे और पाकिस्तान अफेयर से कि हम जब इंग्लिश ऐसे को खत्म करेंगे और पाकिस्तान अफेयर को खत्म करेंगे तो दूसरे पेपर को हम, तो अगर आप खाली हमें ही फॉलो करते रहें तो इनके साथ नोट्स भी बन जाएंगे, जो कुछ हम क्लास में पढ़ाएं घर जाके उसको देख लें तो आपके नोट्स भी बन चुके होंगे। सर इसमें एक चीज नोट्स से मैं ऐड करता हूँ कि बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है, जब मदरसे में बच्चे को कुरान हिफ्ज़ करवाया जाता है तो वो जब कुरान पढ़ता है तो उसको कहा जाता है कि इतनी ऊंची आवाज से पढ़ो कि तुम सुन भी सको अपनी आवाज, क्योंकि फिर आपकी दो फैकल्टीज यूज होती हैं तो जो मेमोरी रिटेंशन का प्रोसेस है वो तेज होता हो जाता है। इसी तरह जब आप नोट्स बनाते हैं ना, तो जो आपने पढ़ा है किताब में या किसी वो आप लिख रहे हैं तो ये आपकी एक और फैकल्टी यूज हो रही है, वो आपकी रिटेंशन अन इंटेंशनली रादर अन नोइंगली वो आपकी मेमोरी रिटेंशन में आ रही है। I would go and suggest कि जब भी आप नोट्स बनाएं किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक के तो उसका स्केलेटल बना लें और वो कंसाइज होता है, होना भी कंसाइज चाहिए क्योंकि आपको फिर रिवीजन में आसानी होगी। उस स्केलेटल का जो फ्लैश है वो जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो फिर उसके साथ साथ आपको मतलब आपने इतना पढ़ लिया होगा कि स्केलेटल अगर आपको याद होगा, हेडिंग्स याद होंगी, तो बीच में फ्लैश का जो पोर्शन है वो आप इंसर्ट करते चले जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस आए हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, मॉक एग्जाम कैसे होंगे, इंडिविजुअल अटेंशन कैसे स्टूडेंट को मिलेगी। इंडिविजुअल का जवाब मैं देता हूं, बाकी मुरीद बताते हैं। इंडिविजुअल अटेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जूम वाला वो सॉफ्टवेयर है उस पर 1-to-1 भी आप टीचर के साथ, मुरीद के साथ, किसी के साथ कर सकते हैं। उसके अलावा इंशाल्लाह वी आर होपिंग कि ये चीज़ें ऐसे नहीं रहेंगी, वेरी सून थिंग्स विल गेट बेटर, अकेडमीज विल रीओपन, लाइफ विल कम बैक टू नॉर्मल। और अगर ये ऐसा भी चलता है एंड इफ सम स्टूडेंट इंसिस्ट कि मैंने फेस टू फेस करना है, तो 1-to-1 इंडिविजुअल बेसिस पे तो सोशल डिस्टेंसेज के, डिस्टेंटिंग के हम वो रहते हुए उसके अंदर वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब उसका मिलेगा, उसको गाइडेंस मिलेगी। अच्छा सर, इसके लिए हमने पूरा एक मैकेनिज्म बनाया है और इसका मैकेनिज्म ये है कि फॉर एग्जाम्पल जब भी आप, हम डेली बेसिस पे आपसे लिखवाएंगे स्पेशली इंग्लिश में, आप लिखेंगे, आप उसको स्कैन करेंगे, कैम स्कैनर हर मोबाइल में मौजूद है, आप हमें ईमेल करेंगे, हम उसको चेक करेंगे, हम आपको वापस कर देंगे। और जूम के अंदर आपको पता है कि 1-to-1 डिस्कशन, जब आपके पास भी पेपर मौजूद होगा, मेरे पास भी पेपर मौजूद होगा, तो हम 1-to-1 आपको गाइडेंस देते रहेंगे, नंबर वन। नंबर टू ये होगा कि जो स्टूडेंट्स, सिचुएशन इंशाल्लाह अल्लाह करे बेहतर हो जाती है, जो स्टूडेंट्स चाहेंगे कि वो ऑन कैंपस आना चाहते हैं तो हम उनको ऑन कैंपस ट्रीट करेंगे विद सेम ड्यूज। हाँ ठीक है, बिल्कुल। और दूसरी, और ऑनलाइन क्लासेस जो हैं ये कंटिन्यू रहेंगी, तो इसके लिए बेसिकली तीन मैकेनिज्म होंगे, जूम हो गया, ईमेल के जरिए डॉक्यूमेंट्स आएंगे, और अगर इसके एंड पे अप्रोक्सीमेटली जब हम एक दफ़ा कोर्स करेंगे तो हम तमाम लोगों को ऑफर करेंगे वो एक दफ़ा इधर 1 वीक के लिए आके, दो दफ़ा आके मॉक पेपर दे दें, ताकि बिल्कुल वो इधर मॉक पेपर, अगर वो नहीं भी आ सकते तो उसके लिए भी मैकेनिज्म है कि हम उनको 3 आवर्स देंगे, वो पूरा पेपर स्कैन करके और साथ उसकी हार्ड कॉपी हमें TCS कर देंगे, हम उसको चेक करेंगे। और हम ये दुनिया भर में हो रहा है, जितने भी एग्जामिनेशन सिस्टम्स हैं, अभी बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, ऐसे ही हो रहा है कि वो ऑनलाइन पेपर होता है, आप उसको अटेम्प्ट करके उसको स्कैन करके भेज देते हैं, उधर से वो या ई मार्किंग हो जाती है या उसका वो प्रिंट लेके उसको सर उसको हम प्रिंट करके भेजेंगे, दैट्स नॉट एन इशू। और इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, थिंग्स विल बिकम नॉर्मल सून। और अगर अगर फॉर एग्जांपल लॉकडाउन कंटिन्यू करता भी है, थिंग्स डोंट गेट सून, गेट वेल वेरी सून, तो फिर भी देखें लाइफ गोज ऑन, जो मैंने शुरू में कहा, आप इसकी बुनियाद पे अब आप अपने जो टारगेट्स हैं, एम्बिशंस हैं, उनको पोस्टपोन नहीं करेंगे। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये एज वाइज आखिरी चांस हो, या प्रैक्टिकली स्पीकिंग उनके लिए आखिरी चांस हो कि 2021 के बाद फिर मैं अगर नहीं हुआ तो ये परसू करूंगा। ऑब्वियसली ऑप्शन प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी होता है हर इंसान की जिंदगी में, सो उसकी बुनियाद के ऊपर हम किसी का वक्त जाया नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का मुरीद आपको एंड में बताते हैं। प्रोसेस ये है, वो ऑलरेडी हमने फेसबुक पे शेयर किया हुआ है, हमारा नंबर भी गिवन है कि हम ऑनलाइन आप अपने जो ड्यूज है वो डिपॉजिट कराएंगे बैंक में, हम उसको एक्नॉलेज करेंगे,
और उसको एक्नॉलेज करके हम कल की क्लास तो वैसे सबके लिए ओपन होगी, कल और परसों की क्लास, उसके बाद जो हमारे इनरोल्ड स्टूडेंट होंगे खाली हम उन्हें इंटरटेन करेंगे, बाकी को इंटरटेन नहीं करेंगे। अच्छा, एक और आपकी मैं एम्बिग्यूटी भी क्लियर करता जाऊँ कि ऑनलाइन प्रोसेस जो है वो सिचुएशन बेहतर भी हो जाती है, क्योंकि सर बहुत से लोग कराची से हमारे साथ इनरोल्ड हो रहे हैं, क्वार्टर से, तो ऑनलाइन क्लासेस जो है ये कंटिन्यू रहेंगी, ये नहीं होगा कि हम इनको खत्म कर देंगे, लेकिन हम ऑप्शन देंगे फॉर दिस बैच ओनली। हाँ, क्योंकि आपको हम ऑनलाइन से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो बीच में अगर चीजें बेहतर हो गई तो हम फिजिकल क्लासेस एज मुरीद सिंह के हम कंडक्ट करेंगे ये, और उसमें जो तो जियोग्राफिकली प्रॉक्सिमिटी में है लोग वो तो आके यहीं अटेंड कर लें, बट इफ समवन इज इन गिलगित और कराची वो हम कंटिन्यू करेंगे, वो कंटिन्यू होगा, उसको ऑनलाइन पे ही सिलेबस की कंप्लीशन मिलेगी। अच्छा जी, लास्ट इज समवट रोल ऑफ एकेडमी, व्हाई टू ज्वाइन एनी एकेडमी फॉर दैट मैटर, आई एम नॉट सेइंग दिस एकेडमी और एक्स वाई जेड एकेडमी। इसका बड़ा आसान सा हल है। पहले तो मैं आपको एक चीज बड़ा क्लियर कर दूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एकेडमी ज्वाइन नहीं की और सीएसएस में बड़ा अच्छा अचीव किया है, और हमारे पास या किसी भी और एकेडमी के पास एनरोल होने का मतलब ये नहीं है कि आप सीएसएस कर जाएंगे, ठीक है? आई बी वेरी फ्रैंक एंड कैंडिड विद यू पीपल, क्योंकि कोई भी बात गलत कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए। टू स्टार्ट विद, आप अपने 24 घंटों में से हमें 3 या 4 घंटे देंगे, बाकी 20 घंटे आप क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, दैट विल डिटर्मिन। एक ही क्लास की टीचर में या एक ही सब्जेक्ट में एक बच्चा टॉप करता है और एक फेल होता है, इज इट अ जजमेंट क्राइटेरिया के टीचर कैसा है? आई डोंट थिंक सो। सो अगर टॉपर को देखें तो आप कहेंगे टीचर तो एक्सेलेंट है, और अगर क्लास के फेलियर को देखेंगे तो आप कहेंगे कि टीचर या वो इंस्टीट्यूशन तो बुरा है। 20 घंटों में से 3 घंटे आपने हमें दिए या 4, बाकी 20 को आप कैसे डिवाइड कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं? एक्चुअल चीज, एक्चुअल बेनिफिशियल प्रोसेस एकेडमी का क्या है आपके लिए? आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आएंगे जहां पे यू विल इंटरैक्ट नॉट ओनली विद द प्रीवियस और एक्सपीरियंस सीएसपी ऑफिसर्स जो आपके फैकल्टी में भी होंगे, आपकी गाइडेंस या काउंसलिंग के लिए भी होंगे, आप अपने पीयर्स से मिलेंगे, ऐसे लोगों से मिलेंगे जिनकी एस्पिरेशन सेम है टू गेट क्वालिफाइड थ्रू सीएसएस एग्जामिनेशन। एकेडमी आपको एक ऐसे ट्रैक पे चढ़ाएगी, आई एम श्योर आज के सेशन से कोई 2, 4, 5 बातें तो आपने ऐसी जरूर सीखी होंगी जो इससे पहले आपको आपके नॉलेज में नहीं होंगी। सो जब आप खुद ढूंढने निकलेंगे तो शायद आपको 10 दिन लगे उस चीज को ढूंढने में, अगर आप किसी एकेडमी के पास आएंगे या किसी प्रोफेशनल के पास आएंगे तो हो सकता है आपको दूसरे दिन वो चीज मिल जाए। सो आपको एक ट्रैक के ऊपर डाल दिया जाएगा, उस ट्रैक पे आपकी लर्निंग फास्ट भी होगी, उसकी डायरेक्शन भी करेक्ट होगी, और जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उस प्रिपरेशन की वो आप जल्दी करना शुरू करेंगे। जी नहीं सर, अच्छा, सो इसमें हम फर्दर इसको ऐसे लेके चलेंगे कि जब आप ऑप्शनल और कंपलसरी सब्जेक्ट्स को लेकर आएंगे अपने एकेडमी में, कुछ ने ये भी पूछा कि जी कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आप पढ़ाएंगे, तो जनरली जो सब्जेक्ट्स ज्यादातर स्टूडेंट्स अटेंड ऑफ करते हैं, बता दें तमाम, आप बता दें। अच्छा, उसमें हम अकाउंटिंग करेंगे आपको ऑफर, हम फिजिक्स करेंगे, हम पोल साइंस करेंगे, हम आईआर करेंगे, हम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, हम यूएस हिस्ट्री करेंगे, हम इंडो पाक हिस्ट्री करेंगे, हम नेक्स्ट जो ग्रुप है एनवायरमेंटल साइंस करेंगे, एनवायरमेंटल के साइंस के साथ हम जो है दूसरा जेंडर स्टडीज करेंगे, हम सोशियोलॉजी करेंगे, पीएमएस के लिए सोशल वर्क करेंगे, पंजाबी करेंगे और साइकोलॉजी करेंगे, ऑलमोस्ट जितने भी इंटरनेशनल लॉ करेंगे और क्रिमिनोलॉजी करेंगे। सर अप्रोक्सीमेटली जो गिवन सब्जेक्ट है हम उनमें से 70% सब्जेक्ट जो है ना वो ऑफर, दैट्स इवन बेटर। तो मतलब आपको बड़ी वाइड वैरायटी मिलेगी, रेस्ट अश्योर्ड आपके ऊपर थ्रस्ट नहीं किया जाएगा कि चूंकि हम ए सब्जेक्ट ही पढ़ा रहे हैं तो आप ए सब्जेक्ट ही ऑप्ट करें, नो, दिस विल नॉट हैपन। अगर आपका इंटरेस्ट, अगर आपका एप्टीट्यूड और आपकी कैपेसिटी है उस सब्जेक्ट को पढ़ने की, वील मेक श्योर टू मेक दैट गाइडेंस और टीचर अवेलेबल टू यू। अच्छा, कमिंग बैक टू रोल ऑफ एकेडमी, तो आपको एक डेडिकेटेड टीम मिलेगी,
आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में डेली आएंगे, अपने पीयर्स के साथ, क्लास फेलोज के साथ डिस्कस करेंगे, सो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी रिगार्डिंग सीएसएस। तो जो आपको हेड स्टार्ट मिलेगा डेफिनेटली वो एक ऐसे स्टूडेंट की निस्बत आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा जो कि जिसने कोई प्रॉपर कोचिंग नहीं ली। अच्छा, एक क्वेश्चन है जी कि जसरा साहब की बुक कब अवेलेबल होगी मार्केट में? बड़ी डिमांड है जी, लॉकडाउन के दिनों में भी डिमांड है आपकी सर। वो बुक अभी भी अवेलेबल है, लेकिन उसका जो फर्स्ट एडिशन है वो ख़त्म हो चुका है, सेकंड एडिशन सर प्रिंटिंग प्रेस में गया हुआ है। वेरी नाइस। तो इंशाल्लाह वेरी सून दैट वुड बी अवेलेबल विद इन 2 वीक्स। ठीक है, वो आपको पता है कि लाहौर में और इधर इस्लामाबाद में हर जगह अवेलेबल। इट मींस के मतलब ये तो आपकी बुक की बहुत बड़ी तारीफ है कि फर्स्ट एडिशन आपका खत्म भी हो गया। जी सर, विद इन 1 मंथ सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलें जी, फर्दर बेस्ट ऑफ लक टू यू सर। अच्छा, उसके अलावा क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं, कुछ रोल ऑफ एकेडमी आपके साथ डिस्कस हुआ, हेडिंग्स इंपॉर्टेंट व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस। यस, अब इंग्लिश एसे के पेपर में तो शायद आप हेडिंग नहीं दे सकते, मास्टर इज हियर, बट अदरवाइज यस इट डज। हेडिंग से क्या होता है? हेडिंग से ये होता है कि आप अपने काम को कॉन्स्पिकुअस करते हैं, हाईलाइट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद को एग्जामिनर के शूज में रख के देखें, एक क्वेश्चन आया, एग्जामिनर को पता है कि इसके जवाब में ये चीजें जरूर डिस्कस होनी चाहिए, देन इट्स कंप्लीट सर, आंसर विल बी कंसिडर्ड कंप्लीट। वही चीजें अगर आपने हेडिंग्स में लिख दी है तो ही विल जस्ट स्किम थ्रू योर पेपर एंड ही विल गेट टू नो कि यार आपको इन चीजों का पता। यू आर मेकिंग हिज लाइफ, हिज वर्क इजियर, तो वो जल्दी आपको मतलब अच्छे नंबर रिलेटिवली अनइंटेंशनली ही सही बट देगा। हेडिंग्स देनी चाहिए, आप अपने काम को हाईलाइट कर रहे हैं, कॉन्स्पिकुअस बना रहे हैं। कमिंग टू मुरीद आपको थोड़ा सा गाइड करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि डॉन ही रिकमेंड की जाती है, डॉन का डिक्शन अच्छा है, इनकी न्यूज अच्छी है, इनका जो ओपिनियन वाले पेजेस हैं वो ज्यादा अच्छे हैं, डॉन को पढ़ना कैसे है प्लीज? अच्छा, व्यूअर्स बेसिकली अदर देन कोर्स हम दो चीज़ों पे बात करेंगे कि अदर देन कोर्स आपने कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी मैगजीन्स पढ़नी है, और सर ने ऑलरेडी बता दिया है कि न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है। बेसिकली सर, मार्केट के अंदर लोग तीन को ही कंसिडर करते हैं, या डॉन को करते हैं, या डेली टाइम को करते हैं, या एक्सप्रेस ट्रिब्यून को करते हैं, लेकिन अगेन तमाम लोगों की कंसेंसस इसी चीज़ पे है कि सबसे जो बेहतर है डॉन है। हम अच्छा शुरू करते हैं हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर। अच्छा, एक चीज़ तो मैं आप सबको क्लियर कर दूँ कि जो हमारे यहाँ बहुत से लोग गलती करते हैं कि सर सुबह सवेरे उठते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देते हैं, 2 घंटे 3 घंटे न्यूज़पेपर। कभी भी ऐसा ना करें। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं सर, आपको बता चुके हैं कि सुबह के वक्त आपका जो कंसंट्रेशन लेवल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, तो वो तो उन चीज़ों को पढ़ना चाहिए जो याद करने वाली हैं। न्यूज़पेपर को ना रात के वक्त पढ़ें। अच्छा, नेवर रीड दिस फॉर इंफॉर्मेशन, लर्निंग के लिए इसको पढ़ें। अच्छा, न्यूज़पेपर में बेसिक जो चीज़ है इसके आपको पता है कि 2 पोर्शन हैं, एक हमारा ये पोर्शन है और एक जो है मेट्रो जो है वो इस्लामाबाद का और होगा, मुल्तान का और होगा। पहली बात ये है कि आपका न्यूज़पेपर जो आपको देने आता है उसको मना करें कि आपको मेट्रो तो दो ना, ना। क्योंकि सर मैंने देखा है कि अक्सर स्टूडेंट इसी को पढ़ के ना नहीं ये तो आ जाते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यूज़ है क्योंकि स्पोर्ट्स भी इसी में है सर, शो बेस की न्यूज़ भी इसी में है। अच्छा, अब है आपका ये तो मना करते हैं। न्यूज़पेपर में बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ को हम कहते हैं न्यूज़ को फर्दर हम 2 में डिवाइड करते हैं। एक न्यूज़ जो है वो नेशनल है और दूसरी जो है इंटरनेशनल है। नेशनल न्यूज़ आपको इस फ्रंट पेज पे नज़र आएंगी और ये बैक पेज जो है इस पे नज़र आएंगे। अच्छा, पढ़ना कैसे है? मैं तो हमेशा रिकमेंड हम करते हैं कि न्यूज़ को जब आपने पढ़ना है तो आप सबसे पहले तो ये है कि टॉपिक आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिन पे आपने इंफॉर्मेशन लेनी है। बिल्कुल, पाकिस्तान अफेयर सर, करंट अफेयर इंग्लिश है से। हर टॉपिक, सपोज टॉपिक है एजुकेशन, एजुकेशन को 10 पेज दे दें, यूनाइटेड नेशन को 10 पेज दें, डेमोक्रेसी को 10 पेज दें और उसकी फर्दर डिवीजन करें। न्यूज़पेपर में जब भी सपोज मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, फॉर एग्जांपल न्यूज़ भी इवेंट्स होते हैं और पॉलिसीज। ये सर क्वेश्चन कभी भी नहीं आया कि पाकिस्तान वायरस केसेस क्रॉस 5000। यस, देखें मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँ कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो आपके जहन में सवाल ये होना चाहिए, लेट्स से आपने एक हेडलाइन पढ़ी है या न्यूज़ पढ़ी है, कि क्या ये सवाल या इससे रिलेटेड सवाल सीएसएस के किसी पेपर में आ सकता है। अगर सवाल है, जवाब है हाँ, तो उसको ज़रूर पढ़ें। अगर जवाब है नहीं, गो ऑन। क्योंकि हम न्यूज़पेपर इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हम अपडेटेड रहें, हम न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारा सीएसएस प्रिपेयर हो, हमारी लर्निंग हो, राइट? अच्छा,
तो न्यूज ऑफ पॉलिसीज पढ़नी है ना कि न्यूज ऑफ इवेंट्स पढ़ने हैं। नेशनल इधर मिलेंगी और इधर मिलेंगी। इस साथ इंटरनेशनल न्यूज जो है वो बेसिकली ये जो पेज है ये आपके इंटरनेशनल न्यूज का है, आप इसको पढ़ें। और साथ साथ न्यूज़पेपर में क्या मिले, हो सकता है कि पूरी न्यूज़पेपर के अंदर सर आपको दो लाइंस मिले जो भी रेलिवेंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, कोटेशन हैं, कोई आर्गुमेंट्स हैं, वो रेलिवेंट पोर्शन पे लिखते जाएं। अच्छा, दूसरा न्यूज़ का जो पोर्शन होता है हम इसको कहते हैं एडिटोरियल, इनको ज़रूर पढ़ना चाहिए क्योंकि ये एक पहली बात है शख्स नहीं लिखता सर, पूरा बोर्ड एडिटोरियल होता बोर्ड है होता है। और ये जो बड़ा कंसाइज होता है और फुल ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, इसको पढ़ें। और ये हमेशा आप समझें कि पेज नंबर आपका जो है 6, ये इधर होते हैं, ये होता है, ये होता है, ये होता है, तीन होते हैं तीन एडिटोरियल। होते हैं, इनको जरूर पढ़ना है। और जिस दिन आपने गेस कर लिया ना कि कल के डॉन के एडिटोरियल क्या आ रहा है, यकीन जाने उस दिन सर इनका सीएसएस भी पास हो जाएगा, इनका पीएमएस भी पास हो और ये जाएगा। बड़ी जल्दी आपको, देखें आप रूटीन में पढ़ेंगे ना, अब एडिटोरियल के बियॉन्ड मुरीद अभी बताएंगे, बट ये कॉलम्स होते हैं, ठीक है, एक इंडिविजुअल कॉलमिस्ट लिखता है इसको। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको ये भी पता चल जाएगा, आप शुरू में तो पहले दिन आप शायद सारे कॉलम पढ़ लें कि यार कुछ काम की चीज ना हो, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम महीने के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा यार किसको मिस्टर पढ़ना है? मिस्टर एक्स का कॉलम है ये नहीं पढ़ना, हाँ ये मिस्टर ए का कॉलम है ये बड़ा रेलिवेंट होता है, अच्छे फैक्ट्स वगैरह होते हैं, अच्छे ऑर्गम, ये जरूर पढ़ना है। अच्छा, एडिटोरियल जब आप पढ़ लेंगे न्यूज़पेपर के अंदर जो तीसरी चीज है, हम उसे ओपिनियन मेकिंग भी कहते हैं, हम उसे आर्टिकल्स भी कहते हैं। अच्छा, मैं अगेन रिकमेंड करूंगा कि एक से ज्यादा आर्टिकल या दो से ज्यादा आर्टिकल्स जो है ना वो नहीं पढ़ने चाहिए। अच्छा, चंद एक राइटर मैं आपको बताता जाता हूं, आप उनको जरूर पढ़ें। फॉर एग्जाम्पल, पहली बात है आप एजुकेशन पे पढ़ना चाहते हैं तो आई आर रहमान को पढ़ें। और सर डॉक्टर अताउर रहमान जो है वो भी मंथली इसके अंदर लिखता है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, लाइकिंग डिसलाइकिंग हाँ, है। अब चूंकि एक पब्लिक फोरम पे बैठे हुए हैं, जो चीज पब्लिश हो रही है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, तो हम किसी को एटलीस्ट बुरा नहीं कहेंगे, अच्छी एग्जांपल्स आपको बता देंगे कि जी इन कॉलमिस्ट को जरूर आप फॉलो मैं सर करें। इनको 6-7 नाम और उनकी इंटरेस्ट बता देता हूँ। आप आई आर रहमान, वो तीन चीजों पे लिखता है, एजुकेशन पे लिखता है, गवर्नेंस पे लिखता है, सोशल इश्यूज पे लिखता है। डॉक्टर अताउर रहमान वो हायर एजुकेशन पे लिखता है, उसको जरूर पढ़ें। मुनीर अकरम को पढ़ें क्योंकि वो इंटरनेशनल अफेयर, न्यूक्लियर इश्यूज और इंटरनेशनल रिलेशन जो है डिफरेंट कंट्रीज के, उस पर लिखता है। आप जाहिद हुसैन को पढ़ें, वो गवर्नेंस पे लिखता जाहिद है, हुसैन बहुत अच्छा ठीक है। लिखते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप इकोनॉमी में पढ़ना चाहते हैं तो अदर देन डॉन एक राइटर है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून पे लिखते हैं, सर डॉक्टर नवीद, रिसेंटली वो यूएसए से वापस आए, वो बेसिक इश्यूज पे लिखता है कि पाकिस्तान के टैक्सेशन के क्या इश्यूज हैं और इकोनॉमी के क्या इशू हैं। इसके साथ आप साकिब शेरानी को पढ़ सकते हैं, साकिब शेरानी के साथ आप खुर्रम हुसैन को पढ़ सकते हैं, हसन अस्करी को जरूर पढ़ना चाहिए, वो दो डॉन में नहीं लिखते, और जवेद बरकी को जरूर पढ़ना चाहिए, वो भी डॉन में नहीं लिखते। अच्छा, क्यों पढ़नी चाहिए न्यूज? सबसे न्यूज पेपर सबसे पहले ये आपकी वोकैबुलरी बिल्ड करेगा, और इसके लिए मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि जहां आप नोट्स ले रहे हैं ना, इसका आखिरी पोर्शन वोकैबुलरी का बनाए, उसके तीन हिस्से डिवाइड करें, वर्ड लिखें, उसके सिनोनिम लिखें, और साथ उसके सेंटेंसेस जरूर बनाए डेली बेसिस 2 से 3। और यकीन जाने शुरू में आप पढ़ना शुरू करेंगे तो हो सकता है आपको हर दूसरा वर्ड ना आता हो। अब 2 महीनों बाद देखना कि आपको हो सकता है एक पूरा आर्टिकल पढ़ते हुए 10 से 12 अल्फाज में आए, और एक स्टेज फिर ऐसी आएगी कि पूरे अखबार में बड़े रेयर होगा कि आपको कोई वर्ड्स। तो वोकैबुलरी बिल्ड करते हैं, आपका सारे एक्सप्रेशन इंप्रूव करते हैं। अनइंटेंशनली यू गेट टू नो के ये सेंटेंस ऐसे भी लिखा जा सकता है, या ये ज्यादा बेहतर तरीका है इस आइडिया को कन्वे करने का। अभी सर बार बार स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे हैं हाउ टू इम्प्रूव द इंग्लिश, और मेरा हमेशा ही आंसर ये होता है रीड 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 एंड अगेन रीड, और इसके साथ साथ आप लिखें सेंटेंस। डियर व्यूअर, मैं इंश्योर करता हूं एक चीज कि अगर आप एक सेंटेंस सही लिख सकते हैं ना, तो व्हाट इज इंग्लिश ऐसे 220 to 230 sentences. Sentences. तो आप 220 sentences भी लिख सकते हैं। तो अगेन दोबारा वापस आते हैं कि ये आपकी वोकैबुलरी बिल्ड होगी, एक्सप्रेशन इंप्रूव होगा, आपको कंटेंट मिलेगा, और आपका क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो बहुत ज्यादा शार्प हो जाएगा। ठीक, ये दो क्वेश्चंस हैं जी, शॉर्ट क्विकली मैं इसको आंसर कर दूं और फिर मरहला वी आर रीचिंग टुवर्ड्स आवर टाइम लिमिट आल्सो परहैप्स। विल सीएसपी ऑफिसर्स टीच सब्जेक्ट्स? जी बिल्कुल। अच्छा, हमारे यहाँ सर कम्बिनेशन है, कोई 80% जो है वो सीएसपी ऑफिसर, मेजॉरिटी, हाँ जी वही है, ठीक है, और बाकी 20% सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है। इस्लामिक स्टडीज मेरे ख्याल को सीएसपी ऑफिसर इतना अच्छा नहीं पढ़ा सकता, तो वो सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी के स्पेशलिस्ट प्रोफेसर हैं। आर टारगेटेड सब्जेक्ट अ मिथ और अ रियलिटी? अब मैं ये आपका सवाल नहीं समझ सका,
सर ये कह रहा है कि क्या किसी साल खास तौर पे खास किसी तौर पर टारगेट किया जाता इस है? साल इसमें बहुत नंबर देने हैं या इसमें बहुत फेल करना है, एज फार एज आई नो नो। नो हाँ, ये जरूर हो जाता है कि जब एक सब्जेक्ट बहुत ज्यादा रन ऑफ द मिल बन जाता है, हर लाइक आई दूसरा, आर बहुत ज्यादा स्टूडेंट उसको ऑप्ट कर रहे हैं, और फिर उसमें जब एग्जामिनर को ये मिलता है मटेरियल, जब वो 10 पेपर चेक करता है, फॉर एग्जाम्पल 9 में उसको वही घिसे पिटे जुमले, मतलब उसको लगता है कि जो जिस मटेरियल से इन्होंने पढ़ा है वो सेम है, तो फिर भी वो टारगेटेड नहीं होता, बट वो फिर वो डिस्करेज करता है। मैं आज तक अपने सीएसएस करने के बाद जितने भी सीएसएस के एग्जामिनर्स को मिला हूं, जो पेपर चेकर रहे हैं या पेपर सेटर रहे हैं, किसी को भी कभी भी किसी फोरम से ये मैसेज कन्वे नहीं हुआ कि इस साल सब्जेक्ट ए को प्रमोट करना है या सब्जेक्ट सी को आपने इसमें ज्यादा लोगों को फेल करना है। मेरे ख्याल के मुताबिक जब ट्रेंड बहुत ज्यादा बन जाता है, जब वही घिसी पिटी और वही क्रैमिंग वाला सतही किस्म की जो इंफॉर्मेशन है वो एग्जामिनर को चेक करने को मिलती है, डेप्थ नहीं मिलती आंसर में, क्रिटिकल एनालिसिस नहीं मिलता, अपना स्टूडेंट का ओपिनियन नहीं मिलता, तो ओवरऑल फिर उस सब्जेक्ट में मार्क्स कम आते हैं। मेरा तो ये ख्याल है। बिल्कुल ऐसा ही है। और सर हमारे क्योंकि कुछ दोस्त हैं, कुछ जानने वाले हैं जिन्होंने किसी ज़माने में पेपर चेक किए थे, तो एग्जैक्टली। मुझसे सर उन्हें मिलता, वो कहते हैं कि हमारा 3 दफ़ा सर एफपीएससी से इंटरेक्शन होता है। एक दिन हम जाते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं सर, फिर उनका एक बंदा आता है, हमें पेपर दे जाता है, एक बार बंदा आता है पेपर रिसीव करता है, फिर हम जाके अपने चेक ले आते हैं। इसके अलावा उनकी तो इंटरेक्शन नहीं ही नहीं होती, होती। बिल्कुल। अच्छा अब आते हैं कि इंटरनेशनल मैगजीन्स कौन सी पढ़नी चाहिए। अच्छा पिछले 3-4 सालों से ये ट्रेंड देखा गया है कि सीएसएस के अक्सर इंग्लिश ऐसे के अंदर जो टॉपिक आते हैं वो किसी मैगजीन से आ जाते हैं सर, उनका जो हेडिंग होती है वो पेपर में आ जाती है। अच्छा इसके लिए हम 3 मैगजीन रिकमेंड करेंगे कि एक है इप्री। अच्छा ये ऑर्डिनरी मैगजीन नहीं है, ये थिंक टैंक है, इन ऑर्डिनरी लोग भी नहीं लिखते इसके अंदर, जो जिस फील्ड के एक्सपर्ट हैं वो लिखते हैं। दिस इज इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्ट्रेटेजिक स्टडीज, इवन इसको तो हेड जो करता है वो रिटायर्ड एम्बेसडर करता है। अगर इंटरनेशनल मैगजीन की बात की जाए तो उसमें एक फॉरेन मैगजीन है और दूसरा अलजजीरा का बहुत अच्छा सर मैगजीन है, वो बहुत अच्छे तरीके से अगेन वही फवायद होंगे। और अगर बुक्स की अदर देन कोर्स बात की जाए तो 2-3 किताबें भी हम आपको रिकमेंड करेंगे, और वो ऐसी किताबें हैं कि आप ये ना करें कि आज शुरू करें और कल इसको खत्म कर लें, जस्ट रीड फ्यू पेज, प्लेयर रीडिंग, प्लेजर रीडिंग करें। सबसे जो बेहतर है वाई डू नेशन फेल्स, द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर कंट्री। पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री सर, गवर्निंग द अनगवर्नेबल। और इसके साथ साथ आप मरिया लोधी की भी किताब देख लें कि पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट। अच्छा अब और सर कोई क्वेश्चंस क्वेश्चन है तो एंड में इनको मैं पीएमएस अब पे बताऊंगा। हमारे जो स्टाफ हैं उनकी फीड नहीं फिलहाल आई कोई नई, आप पीएमएस को मेरा स्टार्ट करें। अच्छा डियर, अब बात करते हैं हम पीएमएस पे, एक डिटेल गुफ्तगू करते हैं जिसके अंदर हम पीएमएस केपीके और पंजाब जो है उस पर डिस्कशन करेंगे। अच्छा पीएमएस है क्या? ये सीएसएस का पैरेलल, जो सूबों के अंदर एग्जाम होता है इसको हम पीएमएस कहते हैं। पंजाब पीएमएस के अंदर बेसिकली 3 ग्रुप्स हैं, एक पीएमएस है वो सेक्शन ऑफिसर भी वही लोग लगते हैं, और असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड में भी वही लोग लगते हैं, लोकल ऑडिट है और एक्साइज एंड टैक्सेशन है। इसकी सीट्स अनाउंस हो चुकी हैं, इसकी 71 सीट्स अभी अनाउंस हुई हैं, और कल ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन का 13th of April इसकी लास्ट डेट है। हाँ जो बैंक फी है वो किसी वक्त भी एग्जामिनेशन से पहले आप सबमिट करवा सकते हैं, एग्जामिनेशन से पहले किसी भी वक्त, लेकिन ये इंश्योर करें कि कल रात को 12 बजे से पहले पहले आपने अपने फॉर्म सबमिट करना। एज 21 से 30 ईयर है, और इसके अंदर एज रिलैक्सेशन जो है जिस शख्स की, जिस स्टूडेंट की 4 ईयर जॉब एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट सेक्टर में, और गवर्नमेंट में सेक्टर में ऑटोनोमस बॉडीज नहीं आती, ऑटोनोमस बॉडी में सर यूनिवर्सिटीज, नादरा, ये अपना पीआरसी, एनएआरसी, ये डिफेंस की जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑटोनोमस में नहीं आती, तो इनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। क्वालिफिकेशन इज अगेन ग्रेजुएशन सेकेंड डिवीजन, अगर अदर देन CGPA 2 होना चाहिए, अदरवाइज 45% आपको कोर्स मार्क्स होने चाहिए। अगेन इंग्लिश ऐसे वही लाइक सीएसएस, इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन वही लाइक सीएसएस, उर्दू
यहाँ एडिशनल है। और यह सुनिए, हम उर्दू की भी क्लासेस रखेंगे, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, और इसका जनरल नॉलेज जो है ना वो ऑब्जेक्टिव होता है और उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। अच्छा, इसका जो जनरल नॉलेज का पेपर है उसके तीन पोर्शन हैं, उसमें सबसे पहला पोर्शन जो है वो है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर या क्रांति, जनरल नॉलेज में क्या जनरल नॉलेज में फॉर एग्जाम्पल ये है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कि ये फलां ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर किधर है, या यूनाइटेड नेशन की फलां जो सब ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर किधर है। दूसरी चीज़ है करंट अफेयर, करंट अफेयर ये है कि जनरल कि किस मुल्क का कौन प्रेजिडेंट है, ये करंट अफेयर में चीज़ें। और तीसरी इसके अंदर आती है अपना जनरल साइंस एंड एबिलिटी, ये जनरल साइंस जो है ना EDS, ये वहाँ करंट अफेयर के पेपर में है, 40 मार्क्स लेने होते हैं। और इसके लिए जो मैं अगर आपको बुक रिकमेंड करूँगा तो करवां पब्लिशर की बहुत अच्छी किताब है, उस किताब के जो राइटर है उसका करवां पब्लिशर की है, शायद मैं रिकॉल नहीं। इसके साथ साथ हम आपको नोट्स देंगे जो CSS के तमाम प्रीवियस पेपर, PMS के तमाम प्रीवियस पेपर पर बेस हैं, और ये इस चीज़ को इंश्योर करेंगे वो नोट्स जो हैं अप्रॉक्सीमेटली उन नोट्स को अगर आप पढ़ेंगे तो मोर देन 80 मार्क्स ले सकेंगे। अच्छा, ये एग्ज़ाम कब होगा? ये एग्ज़ाम जो PMS पंजाब का है अप्रॉक्सीमेटली ये होगा अगस्त के मिड में, उससे पहले नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ KPK का पब्लिक सर्विस कमीशन जो PMS है वो मेरे ख्याल नेक्स्ट मंथ जो है वो अनाउंस हो जाएगा, और उनका एग्ज़ाम जो है शायद वो दिसंबर में होगा। सब्जेक्ट हम कौन से इसमें ऑफर करेंगे, हाँ अगेन हम पोलिटिकल साइंस करेंगे, हम इसमें सोशियोलॉजी करेंगे, हम इसमें सोशल वर्क करेंगे, हम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, हम सोशल वर्क करेंगे, हम साइकोलॉजी करेंगे, और हम पंजाबी जो है वो करेंगे, और शायद कुछ सब्जेक्ट ऐसे हों जिनको मैं रिकॉल ना कर रहा हूँ। सर, अब मेरे ख्याल इसको मेरे ख्याल वाइंड अप की तरफ जाते हैं, अगर किसी के क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ क्विकली थ्रो देम सो दैट आर कोलीग्स जो हैं वो हमें बताते रहें जल्दी। अभी क्वेश्चन आया है विच इज़ वेरी बेसिक कि CSS एज लिमिट क्या है, अटैम्प्ट कितनी अलाउड है। CSS की जो एज लिमिट, अपर लिमिट 30 ईयर्स है जी, लोअर लिमिट 21 ईयर्स। तमाम PMS की भी यही है सर, PMS की भी यही है। तो 21 साल से लेके 30 साल के दरमियान के अगर आप उम्र रखते हैं तो आप CSS के लिए अपीयर हो सकते हैं, ये एज लिमिट है। अटैम्प्ट अलाउड 3 हैं, 3 आप अटैम्प्ट दे सकते हैं, वो कंजेक्टिव भी हो सकती हैं, उसमें ब्रेक भी हो सकती है, आप सिर्फ एक अटैम्प्ट भी दे सकते हैं, वट एवर सूट्स यू। सो मेरा ख्याल अगर और कोई सवालात नहीं हैं तो होपफुली ये बाद में भी इस पर पोस्ट कर सकते हैं, हमारा इनसे इंटरेक्शन रहेगा। कल जिस तरह मुरीद ने बताया कि थ्रू जूम 2 दिन की जो क्लासेस हैं वो तो डेफिनेटली होंगी, एवरीवन इज इनवाइटेड। और इंग्लिश की क्लास है वो जी, मैं दोबारा एक दफ़ा रजिस्ट्रेशन के लिए बता दूं कि कल से हमारी प्रॉपर क्लासेस होंगी, कल की क्लास जो है वो ओपन है एवरीवन, जिसमें आपके मैं एंड पे जो आपकी इंडिविजुअल क्वेरीज हैं किसी भी चीज़ के मतलब हम वो भी एड्रेस करेंगे सर। ठीक, इंग्लिश की क्लास होगी, जूम पे होगी, हम उसका ID और पासवर्ड जो है वो होपफुली सुबह हम अपडेट कर लेंगे। इंग्लिश के 2 क्लासेस, उसके बाद जो हमारे इनरोल्ड स्टूडेंट होंगे खाली हम उनकी क्लासेस लेंगे। एनरोलमेंट का प्रोसेस भी बताओ। एनरोलमेंट का प्रोसेस ये है कि हमने आपको नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करेंगे, हम ऑलरेडी आपको मैसेज कर चुके हैं, हमारा बैंक अकाउंट है, ऑनलाइन आप उसके अंदर ट्रांजेक्शन करेंगे, उसके बाद आप उसकी इन्वाइस जो है वो हमें भेज देंगे और हम आपको इनरोल कर लेंगे। 4 मंथ का सेशन होगा जिसके अंदर हम आपके तमाम कोर्सेस करवाएंगे, वो PMS हो, वो CSS हो, उर्दू और जनरल नॉलेज जो PMS का है उस पर भी हम फोकस करेंगे, और प्रॉपर क्लासेस इसके अंदर हम हर क्लास जब हम पहले कंपल्सरी शुरू करेंगे उसके बाद ऑप्शन शुरू करेंगे, हम क्लास टेस्ट लेंगे। टेस्ट का मैकेनिज्म क्या होगा कि आप लिखेंगे, स्कैन करेंगे, हमें ईमेल करेंगे, हम उसको चेक करेंगे, दोबारा स्कैन करेंगे, हम आपको वापस ईमेल कर देंगे। जूम पे या स्काइप पे फिर इंडिविजुअल 1-to-1 हम डिस्कशन करेंगे। हमारा नंबर जो है वो ऑलरेडी 03-16-03-16-560-1593-03, ये हमारे पेज पे भी है। इसके अलावा हम मेरा अपना हमारे एकेडमी का भी पेज है और मेरे नाम से भी सर पेज बना हुआ है, आपकी जो भी क्वेरी है आप तमाम के तमाम इवन आफ्टर द एंड ऑफ सेशन भी आप कर सकते हैं, तो वो और आपको फिर जो अगर आप सर बिलाल से बात करना चाहेंगे तो आप हमारी एकेडमी के नंबर उस पर कॉल करेंगे, उसी नंबर पे हम सर आपकी बिलाल आपका टाइम फिक्स करके सर बिलाल से भी बात करवा देंगे, या किसी और टीचर से जब भी होगी
किसी ने सर अगर किसी स्पेसिफिक टीचर से बात करनी है वो हम कोऑर्डिनेट कर देंगे सर, आप इसको एक दफा पॉइंट अप कर लें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी। आई अंडरस्टैंड के तकरीबन 1.5 घंटे से आप हमें सुन रहे हैं, कुछ लोगों ने बीच में ज्वाइन किया, कुछ बाद में ज्वाइन किया। CSS इज अ गुड करियर, इट्स अ गुड जॉब। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में अपना करियर तलाश करते हैं, देखते हैं, तो आपको इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, अटेम्प्ट करना चाहिए। आज हमने जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, एक सेशन में तो कभी होलिस्टिकली हम इस सारे को कवर नहीं कर सकते, कोई भी नहीं शायद कर पाएगा। सो आज हमने जो इसकी बेसिक चीज़ें हैं उनके ऊपर डिस्कस किया है, आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं, कुछ एम्बिगुटीज़ दूर की हैं और कुछ मिसनॉमर्स या मिसकंसेप्शंस जो थी वो दूर करने की कोशिश की हैं। होपफुली इंशाल्लाह वेरी सून हम फिजिकली आपके साथ क्लासरूम में इस चीज़ को इंटरेक्ट करेंगे। टिल देन ऑनलाइन सेशंस जारी रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड इंशाल्लाह होप टू सी यू सून। थैंक यू वेरी मच।